हरे कृष्ण ओम ज्ञानमिदमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तगालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे अजानुलम्बितभुजौ कनिकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ स्वाम्भरौ निजवरौ युगधर्मपायौ वन्दे जगत्प्रियतरौ करुणावतारौ वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासकनकगभिषयं वैजयन्ति च मालां रन्ध्रायण वेणुरधरसुधया पुरयान गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशस्तद्गीतकीर्ति राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलस मधुरा स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बली के राधा विहार विपिने रमता मनोमे भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य हितासि कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करी चरण बंदन जहा हई ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण तमादि देवं करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम जंग प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभावं पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में
अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित परम पूज्य पाद स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वन महाराज अन्य अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। जब से सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ करते हैं वो तीन श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण करते हैं। कहते मंगलाचरण का मतलब क्या होता है? बोले अगर हम कोई काम शुरुआत करते हैं कहते गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण और तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। मतलब है अगर हम गुरु वैष्णव ठाकुर जी को स्मरण करते हुए कोई भी हम काम करते हैं समस्त विघ्न नाश हो जाता है। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने भगवान को ध्यान किया है। ये जो प्रथम श्लोक है वो भगवान को ध्यान करते हैं। बोले जन्मादस्य जत्वन्नयादितरतस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयो आदितवये मुह्यन्ति जत सूरयो तेजो वरिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग मृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। हमारे गोस्वामी लोग वर्णना करते हैं ये पहला श्लोक इतने महत्वपूर्ण है वो एक श्लोकों का अंदर में ये पूरी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ विद्यमान है। और ये श्लोक को लेकर बड़े झगड़ा भी है क्योंकि ये श्लोक में किसका नाम नहीं दिया गया है। कहते सत्यम परम धीमहि। कहते जो परम सत्य भगवान को हम ध्यान करते हैं। प्रश्न होता है भैया भगवान कौन है? क्योंकि इसमें तो किसका नाम नहीं, कृष्ण राम नारायण शंकर जी इसमें तो किसी की नाम नहीं। नाम नहीं होने का नाते जो जिसी को उपासना करते हैं ये श्लोक उसी में ही लगा दिया। जो भोले बाबा को पूजा करते हैं कहते भैया सत्यम परम धीमहि तो भोले बाबा, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी। अभी जो माता देवी को पूजा करते हैं कहते ये श्लोक तो मैया देवी के लिए। जो हनुमान जी को पूजा करते हैं कहते ये श्लोक तो श्री हनुमान जी के लिए। सब अपना अपना इष्ट में इस श्लोक को लगा दिया। लेकिन ये हमारे एक वैष्णव आचार्य हुए श्री वल्लभाचार्य बहुत बड़े वो श्री कहते ये संप्रदाय के ये बहुत बड़े एक संत हैं। वो कहते हैं भैया ये श्लोक और किसी के लिए नहीं, ये श्लोक तो श्री रमण बिहारी के लिए। किसके लिए है? बोले श्री रमण बिहारी के लिए ये श्लोक है। प्रश्न होता है अब रमण बिहारी में कैसे लगा दिया, बांके बिहारी में कैसे लगा दिया? तो उसका उदाहरण देते हैं जब कृष्ण देवकी गर्भ में आए उसी समय में 33 करोड़ देवता ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र वो एक साथ में एकत्रित होकर के भगवान को ध्यान कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। बोले क्या कहते हैं? बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य सत्य सज्जोनी निहितम च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वम शरणम प्रपद्ये। सारे देवता कहते हैं जो परम सत्य है, जो पहले सत्य था अभी भी सत्य है बाद में जो सत्य रहेगा, जिसको ब्रह्मा कहते हैं पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण में ही लागू किया है। इसलिए कहते सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य को ध्यान करते हैं। कहते भैया वो है कौन?
बोले जन्मादस्य जतः, बोले जिनकी आदेश पर ये जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बड़ा सुंदर कीर्तन लिखते हैं, वो कहते हैं बोले तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हार इच्छा तो कहते हैं बोले कृष्ण की इच्छा से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, नारायण पालन करते हैं, और ये जो दुर्गा ये दुर्ग संसार बनाया, कहती है आपके आदेश पर ही ये देवी दुर्गा ने ये संसार रूपी दुर्ग बनाया। इसलिए प्रभु कौन है, ये भले भगवान कृष्ण है, भले अन्य और व्यतिरिक रूप में हम कहते ना उसकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, वो कौन है, श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। बोले श्री रमण बिहारी लाल की, कहते वो कौन है, बोले तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवये मुह्यंति जत सूरयो। सर्वप्रथम जब भगवान जगत को सृष्टि करना चाहते थे, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई, जब ब्रह्मा जी सृष्टि हुए उनने चारों तरफ में पानी 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 देखा, बोले भैया मेरी सृष्टि कहाँ से हुई है, तब उन्होंने कमल नार में हजार साल तक उन्होंने अनुसंधान की, लेकिन कोई था नहीं मिला। जब फिर ऊपर में आए, कहते व्यंजन वर्ण का सोलहवां और इक्कीसवां अक्षर सुने, बोले त और प, तब ब्रह्मा जी जब तपस्या की तब भगवान ने बोले ज्ञानम मे परम गुह्यम जद विज्ञान समानितम सारहस्यंच तदगंच गृहाणम गदितम मया। भगवान ने उसको अपना बंसी ध्वनि से, हम लोग जो गोपाल मंत्र में भगवान की पूजा करते हैं, ये गोपाल मंत्र सब प्रथम किसको प्राप्त हुआ है, बोले ब्रह्मा जी ने ये गोपाल मंत्र बंसी ध्वनि को द्वारा कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रदान किया। ब्रह्मा जी इसी मंत्र से विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृजन किया है। फिर ब्रह्मा जी नारद को देते हैं, नारद जी व्यास को देते हैं, व्यास जी मध्वाचार्य को देते हैं, और वही मंत्र ही श्री माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी महाप्रभु और परंपरा रूप में अभी तक हम लोगों के पास में आए। इसलिए शास्त्र कहता है भैया मंत्र जहाँ का नहीं लेनी चाहिए, मंत्र तो किसी वैष्णव संप्रदाय से ही मंत्र ग्रहण करनी चाहिए। अगर जहाँ तक अगर हम मंत्र ग्रहण करते हैं, कहते संप्रदाय बिना जे मंत्रास्ते है विफला मता, कहते वैष्णव संप्रदाय को छोड़ करके अगर कहीं हम मंत्र ग्रहण करते हैं, कहते वो मंत्र फलीभूत नहीं होगा, क्यों, उसका कोई गुरु परंपरा नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी को उन्होंने गोपाल मंत्र प्रदान किया, और कहते हैं जिनकी माया ऐसी माया है, बोले मुह्यंति जत सुरयो, बड़े बड़े देवता भी जिनकी माया में मुक्त हो जाते हैं। हम दशम स्कंध में सुनेंगे स्वयं स्वर्ग का इंद्र, स्वर्ग का देवता इंद्र, वो भी भगवान कृष्ण को समझ नहीं सका, और आप और हमारी बात छोड़ दो। इसलिए उन्होंने सोचा साथ कोई ग्वाला होगा, इसलिए इंद्र ने 7 दिन तक ब्रज को तसनस करने के लिए उन्होंने बारिश किया, और भगवान कृष्ण ने क्या किया, कनिष्ठ अंगुल में उन्होंने श्री गिरिराज को उठा लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की, और लास्ट में जब इंद्र को पता चला भैया ये तो साधारण व्यक्ति कोई नहीं, जिसने कृपा करके उन्होंने मेरे को ये इंद्रपद की प्रदान की,
उन्होंने कितने नाक रगड़े भगवान के चरण में, कृष्ण चरण में। कहते इंद्र की बात छोड़ दो, सात लोग ऊपर में जो ब्रह्मा जी रहते हैं, भैया ब्रह्मा भी जिनकी माया को समझ नहीं सके, इसलिए उन्होंने भी कृष्ण की बछड़े और सखाओं को उन्होंने भी चोरी किया। पहले तो सोच रहे थे साधारण कोई ग्वाल होगा जो कि बच्चों का झूठन खाता है, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा, ठाकुर जी तो मेरे सिंहासन ही छीन लिया, उनकी सिंहासन ही छीन गया। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे, उनके जो नौकर लोग थे ना, ब्रह्मा जी को डंडे लेकर खदेड़े उन्हें से, बोले हमारे प्रभु तो अंदर में, तू कहां से आ गया। ब्रह्मा देखा भैया ये कौन है, देखा मेरा प्रभु ही स्वयं इंद्र ब्रह्म पद को हड़प लिया है। फिर ब्रह्मा आकर के कितने प्रभु के चरण में पूरा उन्होंने अपना आंखों का आंसू से उन्होंने ठाकुर जी का चरण को अभिषेक की। और भगवान को क्या कहते हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कहते कृष्ण कौन है, बोले ये ईश्वर है, समस्त का कारणों का जो मूल कारण है ये कौन, श्री भगवान कृष्ण है। बोले जिनकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी समझ नहीं सके, बोले समस्त देवता भी जिनकी माया में मोहित है, बोले कैसे, बोले एक समय भगवान कृष्ण द्वारक में बैठे हुए अपना पटरानियों को साथ में लेकर बैठे हुए थे। एक समय नारद जी गए थे स्वर्ग में, और स्वर्ग से एक पारिजात फूल लेकर के आए, और उनने कृष्ण को हाथ में पकड़ा दिया, बोले कृष्ण तुम्हारी रानियों में जो सबसे प्यारी है ना तुम्हारी, ओ उसको ये फूल दे दो। कृष्ण ने देखा हे भगवान, नारद जी बिना कारण के कारण लड़ाई लगाने के लिए आ गए, क्योंकि मैं तो जिसको पास में रहता हूँ, जब रुक्मिणी को पास में रहता हूँ, कहते रुक्मिणी मैं तेरे को जितने प्रेम करता हूँ और किसी रानी को इतना प्रेम नहीं करता, जब सत्यभामा को पास में रहता हूँ कहते तू सबसे मेरी प्यारी है, जब कालिंदी को साथ में रहता हूँ बोले कालिंदी तू जितने मेरी प्यारी और कोई इतना प्यारी नहीं, ये कहते सबसे जिसको ज़्यादा प्रेम करते हो, अगर एक फूल एक रानी को पकड़ा दिया तो क्या होगा, यहाँ तो महाभारत मच जाएगी। इतने में नारद जी बोले प्रभु जल्दी जल्दी करो, मेरे पास में समय नहीं, मेरे को जल्दी जल्दी जाना। और सबसे पहला रानी था रुक्मिणी, वो पास में बैठी हुई थी, ठाकुर जी उसका हाथ में फूल पकड़ा दिया, हे सत्यभामा कहाँ जाएगी, क्योंकि राधा जी के अंश से सत्यभामा हैं, और कहते जो चंद्रावली के अंश से रुक्मिणी, राधा जी की जो भाव बाम भाग है बाम भाव राधा जी की, जब उन्होंने एक फूल पकड़वा दिया सत्यभामा तो प्यार पटकती हुई तमतमाती हुई क्रोध में जाकर के मान भवन में लेट गई। कृष्ण ने कहा नारद जी लड़ाई लगा दी, कृष्ण गए सत्यभामा पर हाथ जब रखा ना हाथ को फेंक दी, बोले जैसे आप ऊपर काले अंदर में भी ज्यादा काले हो, आप बोल रहे थे मैं सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, आज प्यार कहाँ चला गया, प्रेम कहाँ चला गया, सारा दुनिया को बीच में ये प्रमाणित हो गया सबसे ज्यादा प्यारी कौन है आपकी, अरे बोलो कौन है, रुक्मिणी है। कृष्ण ने कहा एक फूल के लिए इतना क्रोध करती हो, अरे उसको तो मैंने एक फूल दिया, तेरे लिए तो मैंने स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को उखाड़ कर ले आऊंगा। बोले ज्यादा बोलो मत, जिसने एक फूल नहीं देखा मेरे लिए पारिजात वृक्ष ले आएंगे, निकल जाओ यहाँ से। बोले चलो, बोले चलो। तो उन्होंने गौरव जी को बुलाया, गौरव जी को पीठ ऊपर बैठ कर कहां पर गए, सत्यभामा को गए स्वर्ग में, इंद्र से एक फूल एक वृक्ष मांगे, बोले इंद्र मेरी सत्यभामा मान की है एक पेड़ दे दो, बोले नहीं स्वर्ग की इतने महिमा क्यों, वो पारिजात वृक्ष के लिए, अगर यहां से पारिजात वृक्ष चली गई तो फिर स्वर्ग का क्या महत्व रह जाएगा, स्वर्ग का कोई महत्व नहीं रह जाएगी, इसलिए वृक्ष वृक्ष कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत प्रार्थना की, कृष्ण ने कहा अगर नहीं दोगे ना फिर तो मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। इतने में कृष्ण जोर जबरदस्ती उन्होंने गए और पेड़ को उखाड़ा, उखाड़ करके उन्होंने गरुड़ को पीठ पर रख दिया। इतने में जितने स्वर्ग में 33 करोड़ देवता थे ना, एक साथ में टूट पड़े भगवान कृष्ण के ऊपर में युद्ध करने के लिए।
भगवान अपना सारंग धनुष को लेकर के सबको परास्त करते हुए और पेड़ को उखाड़ करके ले आई कहाँ, मरते जगत में, और सत्यभामा का घर को सामने लगा दिया। सत्यभामा इतने खुश हो गई, उन्होंने सब रानियों को फिर बुलाया, बोले हाँ मेरे घर में आओ। बोले क्यों? बोले तुम लोग ये समझते होंगे कृष्ण से आज रुक्मिणी को ज्यादा प्रेम करते, एक फूल दे दिया। अरे रुक्मिणी को तो एक फूल दिया, कृष्ण मेरे लिए तो स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को उखाड़ कर लिया। फिर उन्होंने सब रानी को बुलाया, मेरे रूप घर में आओ और देखो। इसलिए यहाँ पर कहते मुह्यंती यत सुरयो, बोले जिनकी माया ऐसे है, बड़े बड़े देवता लोग भी जिस कृष्ण की माया को समझ नहीं पाते हैं। कहते ऐसे जो भगवान कृष्ण चंद्र हैं, हम क्या करते हैं, सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य भगवान कृष्ण को हम सब के सब ध्यान करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। माताएं आज एकादशी, लगता है भोजन नहीं किया, मुंह से आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं क्या इसमें केवल कृष्ण को ही ध्यान किया, ना और कोई है, क्योंकि जो प्रथम श्लोक है ये संबंध है, दूसरी श्लोक अभिध है, और जो तीसरा श्लोक ये प्रयोजन है। सारे शास्त्र का जो निचोड़ देखोगे ना, वही तीन चीज निकलेगा, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तब हमारे रसी की टीकाकार लोग कहते हैं बोले क्या हम केवल भगवान कृष्ण को ही ध्यान करेंगे, ना उसमें और कोई है। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते नहीं, इसमें भगवान कृष्ण को ही ध्यान नहीं, इसमें श्री किशोरी जी श्री राधा रानी को ध्यान है। तब उन्होंने ये श्लोक को उन्होंने राधा परक व्याख्या करते हैं, कदि जो सत्यम परम धीम ही, इसमें जो परम शब्द आया है वो कहते पराम च परम च इति पराम, कि जो पराशक्ति कौन है कृष्ण की, बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी पर। अनिरुद्ध प्रभु इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। इसलिए कदी जो परम शब्द है वो किसके लिए, श्री किशोरी जी राधा रानी के लिए। बोले श्रीमती राधा रानी की, क्योंकि हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले अकेला माधव को जयो स्वज्ञानी इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अगर जिसको ब्रज भक्ति चाहिए, जिसको ब्रज भक्ति चाहिए, जो अकेले कृष्ण को पूजा करते हैं ना, खबरदार ऐसे व्यक्ति का संग को मत करो, मना कर देते हैं। अगर तुमको ब्रज भक्ति अगर तुमको चाहिए, इसलिए अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज प्राय करके कहते थे बोले राधा पद छाड़ी जे जन से जन जे भावे से भावे थाके आमी तो राधिका पक्ष पाती सदा कभो नहीं हरि तक। ध्यान देकर सुनो, कहते जो व्यक्ति राधा रानी की चरणों को छोड़ करके भले ही जिस भाव से वो रहे उनका रहने दो, लेकिन हम क्या है, हम तो राधिका पक्षपाती सदा, हम तो श्री किशोर जी की पक्षपाती। अगर राधा कृष्ण बीच में खड़े हैं ना, अगर हमें अगर दोनों बुलाते हैं आओ, किसको पास में जाओगे? अरे बोलो किसको पास में जाओगे? हम कृष्ण को पास में नहीं जाएंगे। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अगर कोई प्रश्न करे भैया कृष्ण को साथ में तुम्हारा क्या संबंध, बोले वो काले से हमारे कोई संबंध नहीं। कहते वो काले से हमारे कोई संबंध नहीं, हमारा तो संबंध है श्री राधा रानी से, है राधा रानी से। बोले हाँ वो काले से संबंध, लेकिन पास का नहीं दूर का है। इसलिए दूर का संबंध है हमारी डायरेक्ट जो संबंध है श्री किशोर जी को साथ में, हाँ इसीलिए उनको साथ में संबंध है। वो किशोरी जी की राधा जी की प्रियतम है, राधा जी की वो
प्रियतम, इसलिए उनको साथ में संबंध है, नहीं तो हमारे कोई काले से संबंध नहीं। हमारे संबंध तो श्री राधा रानी से हमारी संबंध, इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, इसलिए वहां पर देखना कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो, राधे राधे क्यों बोलते हैं? कहते जो ब्रजवासी लोग बड़े चालाक है, ब्रजवासी लोग बड़े चालाक है, इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं बलराज शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तमम धास शब्द कुर्बत पश्चात धा विश्रवण लोभात। कृष्ण खुद कहते हैं बोले अगर किसने केवल राग कर उच्चारण कर दिया तो कृष्ण तो कहते भैया मैं तो चिंता में पड़ जाता हूं, इसको मैं क्या दूं, मेरी राधा रानी का पहला अक्षर उसने बोले। कृष्ण कहते हैं ये विश्व ब्रह्मांड को मैं टटोल लेता हूं, अगर राधा शब्द का विनिमय में कुछ हो तो मैं दे दूं, लेकिन इसका विनिमय में हमें कुछ भी नहीं मिलता है। कृष्ण कहते ददामी भक्ति उत्तमम, अपना भक्ति उत्तम भक्ति प्रदान करता हूं, मतलब मैं स्वयं उनके बन जाता हूं। अगर कोई धा बोल दिया ना, रा और धा ये दो अक्षर सुनने के लिए वो व्यक्ति जिधर जिधर चलता है ना, मैं भी उसको पीछे 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 चलता रहता हूँ। इसलिए हिंदी में एक भजन है ना, बोलते हैं ना बोले राधे राधे चल खाएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बिहारी आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, वृंदावन में श्री किशोरी जी का नाम लेते हैं, क्योंकि किशोरी जी का नाम लेने से कृष्ण दौड़ दौड़ कर आते हैं। बोले दूसरा कारण क्यों राधे राधे बोलते, इसको ध्यान देकर सुनो। ये कृष्ण ये बात खुद कहते हैं किसको, बोले चंद्रमा को। बोले चंद्रमा बोले मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदूतमम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा किम। कृष्ण खुद कहते चंद्रमा को बोले हे चंद्रमा अगर किसने मेरे नाम को 100 बार ले, कितने बार, मेरे नाम को अगर 100 बार कोई लेता है, अगर राधा जी का नाम 1 बार अगर कोई करता है, राधा जी की 1 नाम के बराबर मेरे 100 नाम के बराबर है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जब करोति सदा राधा, जो व्यक्ति हर समय से राधा जी का नाम लेते हैं उसकी महिमा को तो हम बता नहीं सकते। इसलिए ब्रजवासी बड़े चालाक है, इसलिए वृंदावन में किसके नाम लेते हैं, जोर से बोलो। देखो और एक चीज बस अच्छे तरह समझो, आप बोलोगे भैया आप तो कृष्ण को पूरा एक कोणा कर दिया है, कृष्ण को एक कोने में रख दिया, अब राधा कृष्ण का कोई महत्व ही नहीं दे रहे, ये चीज को समझो। बोले इसका मतलब क्या है, फिर हम कृष्ण को नहीं पूछते राधा जी को पूछते हैं, नहीं इसका मतलब ये नहीं, बल्कि हम ज्यादा कृष्ण को प्रेम करते हैं। बोले कैसे, बोले क्योंकि अभी कृष्ण की सुख कैसे होगा, कृष्ण किस में सुख है ये चीज को कौन जानती है, राधा रानी जानती है, इसीलिए हम राधा जी के पक्ष लेते हैं।
क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर हम कृष्ण को सेवा करें तो हमें तो पता नहीं कृष्ण सेवा कैसे करनी चाहिए, लेकिन इसको कौन जानती है? राधा रानी जानती है, क्योंकि बोले जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण ए बस एक ज्योतिंग दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। तत्व तो राधा कृष्ण दो नहीं है, वो राधा कृष्ण एक ही है। केवल वो लीला विलास करने के लिए उन्होंने केवल उन्होंने राधा कृष्ण रूप धारण किया, तत्व तो अलग नहीं है। अगर कृष्ण को खुश करना तो क्या करना पड़ेगा? राधा जी दिन भर राधा रानी क्या करती है? राधा मतलब क्या होता है? बोले कृष्ण न आराध्यते इति राधा कृष्णम समाराधयते इति राधा। राधा का दो अर्थ है, कृष्ण जिनको उपासना करते हैं बा कृष्ण को जो उपासना करती है। राधा मतलब होता है जो विशेष पूर्वक कृष्ण को आराधना करती है। अब बताओ राधा रानी दिन भर करती है क्या? कृष्ण सेवा ही करती है, कृष्ण के लिए माला बनाना, कृष्ण के लिए रसोई बनाना, कृष्ण के लिए कुंज बनाना, दिन भर तो कृष्ण सेवा ही करती हैं। इसलिए अगर हमें कृष्ण सेवा करना हो पूर्ण रूप में, जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं होना, जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं हो तब तक हम कृष्ण सेवा कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? श्री राधा जी की अनुगत्य में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये जो पहला श्लोक है ना, किसके लिए है? केवल कृष्ण के लिए नहीं, ये दोनों के लिए ये श्लोक है। इसलिए हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? बोले राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवनी मरणी गति आज नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर जीवनी मरणी गति इसलिए हमारे श्री कहते रूपानुग आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। हमारे प्राण कौन है? श्री जुगल सरकार है, श्री जुगल सरकार है। कहते इसी श्लोक के ऊपर में कहते श्री प्रभुपाद इसको प्रभु अलग व्याख्या करते हैं। कहते जो पहला श्लोक है ना, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए किया। बोले क्यों? देखो ये चीज को समझो, कारण है हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अगर कोई कृष्ण नाम राधा जी का नाम ले, अगर तुम्हारे अंदर में अपराध है, अपराध तुम्हारे अंदर में है, लेकिन नाम लेने पर भी तुम्हारे हृदय में विकार नहीं आएगा, हृदय तुम्हारी पिघलेगा नहीं। कृष्ण नाम करे अपराधिर विचार, अपराधिर नाम लैल नहाय विकार,
अगर अपराध है, अगर हरिनाम करते हो तुम्हारी हृदय द्रवीभूत नहीं होगा। लेकिन और एक स्वरूप है, तीसरा स्वरूप है, भले ही तुम्हारी अंदर में जितने अपराध क्यों नहीं हो, अगर उनका नाम लेते ही प्रेम बहे बहे अश्रुधार, इनका नाम लेते ही हृदय तुम्हारी प्रेम में गदगद हो जाएगा और हृदय आंखों से आंसू की झरी बहने लग जाएगी। कहते वो तीसरा स्वरूप कौन है? श्री सचिनंदन श्री गौर हरि। आप लोग कोई ताली नहीं बजाएंगे? आप ये तीसरा स्वरूप है श्री सचिनंदन श्री गौर हरि, बड़े दयालु बड़े कृपालु। इसलिए हमारे श्री हैं, कहते श्री लोचनदास ठाकुर क्या कहते हैं, बोले दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन, दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन। किसका नाम लेकर के नाच उठे? बोले राधा कृष्ण का नाम नहीं, कहते नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का। बोले क्यों? नित्यानंद प्रभु इतने दयालु इतने कृपालु, माधा इस सर को फोड़ दिए, मटकी से फोड़ दिया सर को, लेकिन वो क्या कहते, भैया भले ही तुमने सर फोड़ दिया लेकिन एक बार मेरे प्रभु श्री सच्चिदानंद गौर हरि का नाम तो एक बार लो, एक बार श्री महाप्रभु का तो नाम ले लो, तुम्हारे सारे अपराध भाव मुक्त कर देंगे। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो पहला श्लोक है ना, किसके लिए है? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले राधा भाव दुति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। कलियुग में राधा कृष्ण दोनों मिल करके एक स्वरूप श्री सच्चिदानंद गौर हरि, बड़े दयालु बड़े कृपालु श्री महाप्रभु। इसलिए हमारे मंदिर में देखो केवल राधा कृष्ण नहीं है, उनको पास में कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु हैं। इसलिए महाप्रभु का भक्ति करने से अपनी आप राधा कृष्ण प्रेम में जीव की अपनी आप प्रवेश हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवे मूर्धन्ति जत सुरयो। मूल कवि कौन है? जिसको हृदय में भगवान ये प्रेम का संचार किया, मूल ब्रह्मा नहीं, कहते मूल श्री रूप गोस्वामी है, जो रूप मंजन। मूल कौन? श्री राय रामानंद कौन? ये स्वयं विशाखा सखी। मूल कौन है? श्री सनातन गोस्वामी जो लवंग मंजरी, जिनके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति रस की जो धारा को जिनके हृदय में महाप्रभु ने संचारित किया है। इसलिए प्रभुपाद ये श्लोक को पूरा पूरा श्री सच्चिदानंद गौर हरि में लगाते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए कहते भैया तुम्हारी इष्ट कौन है? श्री महाप्रभु है, इनकी अनुगत्य में हम श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। बल्कि इनके अनुगत्य में करने से क्या होता है? ए बच्चों कोई घूमना नहीं, ए बच्चों सब चुपचाप बैठ जाओ। हाँ देखो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते, ध्यान देकर सुनो। हम क्यों महाप्रभु की अनुगत्य में क्यों सेवा करते हैं, ये चीज बड़ी रहस्यपूर्ण है। वो कहते हैं अगर कोई कृष्ण भक्ति अकेले करे ना, अगर अगर तुमको सखी भाव मिलेगा तो कहाँ जाओगे? सखा भाव गोलोक वृंदावन जाओगे, और कहीं नहीं जाओगे, वहीं पर जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। लेकिन अगर महाप्रभु की अनुगत्य में अगर हम जुगल सरकार की सेवा करेंगे तो जब हमारी वस्तु सिद्धि होगी ना, संसार से जब ठाकुर के पास में जाएंगे, बोले एक साथ में तुम दो उदाहरण करोगे। गोलोक वृंदावन में जैसे श्री ललिता सखी गोलोक वृंदावन में, लेकिन महाप्रभु लीला में स्वर्गदाम रहे। जैसे रूप गोस्वामी महाप्रभु की सेवा में, लेकिन कृष्ण लीला में रूप मंजरी है। जैसे राय रामानंद महाप्रभु का सेवा में, विशाखा सखी रूप में कृष्ण सेवा में। कहते जब तुम्हारी वस्तु सिद्धि होगी एक साथ में तुम दो रूप धारण करोगे, और दो रूप धारण करते हुए दोनों धाम में जा करके सारे सेवा दोनों हाथ में लड्डू ही लग रहे,
दोनों हाथ में तुम्हारी लड्डू ही लड्डू तुम्हारे हाथ में। इसलिए प्रभुपाद कहते जय, पहला जो श्लोक है ना बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, ये पहला श्लोक है। कहते जो दूसरा श्लोक है बोले धर्म प्रजीत कैतव अत्र परम निर्मत शरणम सतान वेद्यं वास्तवं वस्तु सीवदं तापत्रयौन मिलनम। यहाँ पर जो दूसरी श्लोक है कहते ये प्रतिज्ञा है वा ये अभिध है। अभिध है मतलब है हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, प्राप्त करने का प्रोसेस किया है। ये प्रतिज्ञा है इसलिए जो पहला अक्षर है ना धर्म, धर्म अक्षर पहले क्यों दिया, अगर कहीं वास्तव धर्म है कहां पर है, भागवत में है। इसलिए कल सुन रहे थे ना व्यास देव जी ने सारे ग्रंथों को रचना कर डाले, मन को शांति नहीं। व्यास देव कौन है, व्यास नारायण स्वयं, व्यास देव स्वयं नारायण है। वो सारे ग्रंथों को रचना करने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिली, वो लीला कर रहे हैं है? लेकिन कब उनको शांति मिली, जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ को रचना की। इसलिए कहते हैं धर्म नामे जतो कथा जगत में चले भागवत कहता परिपूर्ण छले। जगत में जितने धर्म का नाम पर चल रहा है ना भागवत कहते सब ये कपट धर्म है, ये कोई धर्म भर्म कुछ है ही नहीं। इसलिए पहला अक्षर धर्म। कहते भागवत में एक श्लोक में तीन अत्र आया, अत्र मतलब ये भागवत ग्रंथ में क्या है वो तीन अत्र आए। जैसे किसी बात को अगर हम तीन बार बोल देना वो बात एकदम पक्की बन जाती है, हैं? इसलिए उसमें पहला अत्र किया है बोले धर्म प्रोजीत कैतव अत्र। ये भागवत ग्रंथ में कोई धर्म अर्थ काम यहाँ तक भी इसमें मुक्ति की बात भी नहीं, जिन कोई भागवत से संपूर्ण निकाल दी पर भागवत में किया है बोले पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। हम ठाकुर को कैसे संतुष्ट करें, ठाकुर जी की कैसे सेवा करें, उनकी कैसे प्रसन्नता हो, इसलिए भागवत में ये भक्ति धर्म है। बोले दूसरा अर्थ अत्र किया है बोले वेद्यंग वास्तवम अत्रम। बोले भागवत में जो वास्तव जो धर्म है वो वास्तव धर्मों के बारे में बताए। तीसरा अत्र क्या है बोले सद्य हृद अवरुद्धते अत्र। देखो ध्यान देकर सुना ये भागवत ग्रंथ की कितने महिमा। जगत का नियम है कुछ करो फिर मिलेगा, बिना किए हुए कुछ तुमको नहीं मिल सकता है। लेकिन भागवत धर्म की महिमा देखो, जैसे अभी रमण बिहारी गौड़ीय मठ में भागवत कथा हो गई, अभी कथा में नहीं आई घर में बैठे हो, आपको पता चला ये भागवत होने जा रही है। अगर किसकी मन में केवल इतनी मात्र इच्छा हो गई मैं कथा सुनने जाऊंगा नहीं तो कथा सुनने जाऊंगी, केवल इतनी इच्छा हुई अभी आए नहीं, अभी तक कथा में आए नहीं, कहते इतना इच्छा मात्र होते ही क्या होता है स्वयं ठाकुर जी बांके बिहारी उसके हृदय में अवरुद्धते। अवरुद्धते मतलब क्या है, जैसे कोई एक व्यक्ति किसी घर में घुसे और अंदर से अपने आप को कुंडी लगाकर बंद करा दे। कहते केवल भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही ठाकुर जी रमण बिहारी उसके हृदय में आ करके और अपने आप को कुंडी लगा करके ठाकुर जी बंद कर दे। कहते अगर सचमुच से कोई कथा में आकर बैठ गया तो कथा में, कहते भैया उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं बोले श्रुत अनुपटित ध्यात आदृतवा अनुमोदित सत्य पुनाति सद्धर्मम जानती विश्वद्रोह अपि। भागवत प्रतिज्ञा करता है बोले श्रुत अगर कोई भागवत कथा सुने, अगर इतना नहीं हो अगर कोई पढ़े, अगर इतना भी नहीं हो अगर कथा कहीं हो रही है, अगर इतना कोई बोल दे भैया कथा होनी चाहिए बहुत अच्छी बात है, इतना भी कोई बोल देगा ना क्या होगा फल क्या है, बल्कि वो व्यक्ति जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, देवद्रोह विश्वद्रोह क्यों नहीं किया हो, उसी समय में ही समस्त पाप से मुक्त होकर के भगवान के धाम पर चल जाता, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है केवल अनुमोदन करने से।
इसलिए कहते भैया जो भागवत धर्म है किसके लिए है, बोले निर्मत सर सरनाम सताम, जिसके हृदय में कोई मत्सरता नहीं, ईर्षा नहीं है। देखना संसार में अपना दुख में जितना दुखी है ना, दूसरा का सुख में ज्यादा दुखी है कि नहीं? अपना दुख में इतना दुखी नहीं, दूसरा का सुख में हम जितना दुखी होते हैं। कहते वो व्यक्ति इतने महल मकान बन गया, इतने बढ़िया गाड़ी में घूम रही है, वो व्यक्ति का पास में इतना सारी चीज, अपना दुख में दुखी नहीं, दूसरे का सुख में ही हम दुखी होते हैं। इसलिए इसका हृदय में मत्सरता है, दूसरों को भलाई देख करके हैं, जिसके हृदय में जलन होता है। कहते भैया भागवत ग्रंथ उनके लिए नहीं। इसलिए बोले परमहंस संहितायाम, जो परमहंस जो संत है उसी के लिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए कहते शुश्रूषु भी, बोले कथा कौन सुन सकता है, बोले सभी नहीं सुन सकते हैं कथा, सभी नहीं सुन सकते। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं, क्या कहते हैं शंकर जी, बोले अति हरि कृपा जा परमो रे, अति हरि Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई पावते यह संगत सोई पार्वती। सभी को ये सौभाग्य नहीं मिलता है। कौन कह रहे हैं? एरे गेरे व्यक्ति नहीं कह रहे हैं। साधारण व्यक्ति कोई बोले ना, बोले उसकी बात का क्या कीमत है। लेकिन जो सत्यम शिवम शंकर जी किसको कह रहे हैं? एरे गेरे व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, वो माता पार्वती को कह रहे हैं। बोले पार्वती जिसको ऊपर में भगवान की विशेष कृपा होना तभी कोई व्यक्ति ये भागवत कथा में आ सकता है, हैं? सभी ये कथा में नहीं आ सकते। शंकर स्वयं कहती है बात को। इसलिए कहते बोले सुसुर सुभी, बोले कथा कौन सुन सकता है? बोले जिनकी पूर्व पूर्व जन्म की बड़ी सुकृति है वही सुन सकते हैं। अगर कोई बोले भैया हमने तो कोई सुकृति की नहीं, फिर क्या कथा नहीं सुन सकते? अगर सुकृति नहीं केवल आओ कथा में बैठ जाओ, कथा सुनते सुनते ही सुकृति अपने आप बन जाएगी। कथा सुनते सुनते सुकृति अपने आप बन जाएगी। इसलिए केवल आकर के एक ही काम कर कथा में बैठ जाओ। कभी ये भागवत का दूसरा श्लोक है, ये प्रतिज्ञा लेता है भाई, ये अभिधेय है, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? भागवत कथा सुनो। कभी जो तीसरा जो श्लोक है वो आशीर्वाद है। बोले भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भूमि भावुका। कहते जो तीसरा श्लोक है, ये तीसरा श्लोक है, ये आशीर्वाद है। कहते आशीर्वाद क्या दे, भागवत आशीर्वाद क्या देता है? कहते हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हैं। कल्प वृक्ष कहते हैं किसको? बोले जो मांगो वही देगा। इसलिए पद्म पुराण में बताया था, बोले जिसका संतान नहीं उसे संतान प्राप्ति होता है, जिनके धन नहीं निर्धन उसको धन प्रदान करता है, जिसको रोगी उसे निरोग प्रदान करता है, जो दुखी उसे सुख प्रदान करता है। यहाँ तक भी अकाम सर्व काम बा मोक्ष काम उदार दी। अगर कोई मुक्ति की कामना करती है मुक्ति देती है, अगर कोई प्रभु की प्रेम की प्रार्थना करते तो भागवत उसको साक्षात भगवत प्रेम प्रदान करता है। ये भागवत ये समस्त इच्छा को पूरी करने वाले भागवत। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक चीज की सावधान करा देते हैं, बोले ये भागवत तो सब देगा लेकिन सावधान। बोले क्या सावधान है? भैया भागवत से एरी गेरी चीज मत मांगो, छोटी मोटी चीज भागवत से नहीं मांगनी चाहिए। ऐसे एक चीज मांगो जो एक चीज मांगने से जीवन में सब कुछ मिल जाए, हैं? ऐसे तब उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाई। बोले कोई एक गरीब ब्राह्मण था, बेचारा गरीब ब्राह्मण है, उन्होंने धन कुबेर की उपासना की। धन कुबेर कौन? स्वर्ग के जितने सारे रुपया पैसा धन दौलत का सारे ट्रेजरी जिसको पास में सारे धन कुबेर की। धन कुबेर खुश हो गया, बोले बेटा भर मांगो। लेकिन बेचारा गरीब ब्राह्मण है, उसको पास में एक गैया थी। बोले कुबेर जी
हमें कुछ धन कुछ गैया के लिए ना कुछ घास भूसा दे दो, कुछ चुनी भूसा दे दो गैया के लिए। कुबेर ने देखा कितना बेकूफ देखो, अरे तू किसको पास में आ रहे हो, धन कुबेरे को पास में, मैं इतने धन दौलत तेरे को दे सकता है, तू भी खा, तेरे बेटे के बेटे के बेटे भी खाए ना, तभी यो समाप्त नहीं होगा। लेकिन कुबेरे को पास में आकर के चुना भूसी मांग रही हो। हाँ देखो, इसलिए भागवत ऐसे एक चीज हमें दे सकती है, इसी जीवन का तो सारे दुख कष्ट खत्म हो ही जाएगी, उसको बाद में फिर चिरकाल के लिए हम श्री भगवान को धाम में जाकर के ठाकुर जी को सेवा को प्राप्त हुए होकर के चिरकाल के लिए हम जन्म मृत्यु का चक्कर से निकल सकते हैं और ठाकुर जी के प्रेम की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं, ये भागवत से। इसलिए कहते भैया इसे छोटे मोटे चीज इसमें मत मांगा करो, है सर्वश्रेष्ठ वस्तु मांगो। तब एक संत उदाहरण देते थे, बोले एक ध्यान देकर सुनो, एक छोटी सी कहानी सुनो। बोले एक समय कोई एक अंधा था, वो शंकर जी की उपासना की, शंकर जी खुश हो गए, बोले बेटा वर मांग। बोले मेरे को 3 वर चाहिए, वो पहले सोच करके आया था। बोले 3 वर क्या सोच करके गया था, बोले अंधा, बोले आंख मिल जाए, दूसरी चीज बोले कुछ संपत्ति मिल जाए, तीसरी चीज किसी अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए, वो पहले ही सोच कर गया था। लेकिन शंकर जी जब संतुष्ट हो गया, बोले देख बेटा मैं 3 बार नहीं दे सकता हूँ, तू जो कुछ मांगना 1 बार से मांगे। वो बेटा बड़ा चालाक था, बोले कोई बात नहीं, बोले मेरे को ये दो, मैं अपना बेटे को राज महल के ऊपर में हाथी को पीठ के ऊपर में बैठते हुए सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखो। शंकर जी ने देखा बड़ा चालाक है, आप बताओ राजमहल के ऊपर में कौन हाथी के ऊपर बैठेगा, राजा महाराजा, आप बताओ सोने की कटोरी में कौन खाता है, राजा महाराजा खाते हैं। फिर अपना बेटे को देखूं, बेटे को कब देखा, जब आंख आए, बेटा कब होगा, जब शादी हो जाएगा, हाँ जब शादी हो जाएगा तब तो बेटा होगा ना। शंकर जी बोले मान गए भैया, बड़ा तू तो बड़ा चला गए। हाँ, उसी तरह जब ठाकुर जी को हमें ऐसे एक चीज मांगनी चाहिए जो एक चीज मांगो सब मिल जाएगा, कहते वो क्या है, बोले भगवान की भक्ति है, ठाकुर जी का सेवा और भगवान का प्रेम। इसलिए आप रामायण देखे होंगे, जब माता सीता को उद्धार करके हनुमान जी आ गए, प्रभु राम बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हनुमान जी आज तू जो कुछ मेरे को मांगोगे मैं सो कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मांग लो। देखो हनुमान जी से सीख लो, है हनुमान जी से सीख लो। हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार 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 मागम हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। हनुमान जी कहते हैं बोले प्रभु एक बार में बार बार मैं एक ही बार प्रार्थना करता हूँ, आपकी चरण की सेवा भक्ति हमें दो, है अनुपायनी अहितु की भक्ति दो। बताओ हनुमान को पास में क्या नहीं, रिद्धि सिद्धि वैभव सब कुछ हनुमान को पास में, सब कुछ हनुमान जी को पास में, क्योंकि भक्ति प्राप्त करने से क्या होता है ये चीज को समझो। जब भक्ति प्राप्त करोगे ना, भगवान जो विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है वो तुम्हारी बसीभूत हो जाएगी। जब विश्व ब्रह्मांड का मालिक भगवान कृष्ण जब तुम्हारी बसीभूत हो गए, पर भैया सारे संपत्ति का मालिक तो तू ही बन गया, सारे संपत्ति तो तुम्हारे हाथ की मुट्ठी में आ गई, क्यों, ठाकुर तुम्हारे प्रेम में बसीभूत है, तुम्हारे घर के भगवान बसीभूत हो गए तुम्हारे प्रेम में। इसलिए यहाँ पर कहते जो भागवत नहीं ये कल्प वृक्ष को नीचे बैठे, कहते भैया ये भागवत है क्या चीज, बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कहती जो भागवत ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसलिए फल दो तरह का होता है, एक तो होता है पकने से पहले ला करके कार्बाइड देकर पका लो, और एक फल होता है जो पेड़ में अपने आप पक गया है। दोनों जो पका हुआ फल में सबसे स्वाद किस में आएगा, बोलो किस में आएगा, जो पेड़ में जो पका हुआ फल उसमें विशेष स्वाद आएगा। एक तो पेड़ में पका हुआ, फिर दूसरा बोले सुख मुखात अमृतम, जब उसने सुख पक्षी ने चोंच मारे कद विशेष स्वाद आ गई। बोले कारण क्या, इसमें बहुत सारे कारण टीकाकार बताते हैं, अब ध्यान देकर सुनो। पहला नंबर की जो तोता में एक विशेष गुण है, वो कभी कच्चा फल में चोंच नहीं मारता है, देख लेना।
वो केवल पक्का फल नहीं चोंच मारेगा। इसका मतलब है कि जो भागवत है ना वो कच्चा फल नहीं, ये पक्का फल, पहला कारण। दूसरा कारण है, जब सुखदेव गोस्वामी का मुंह से कथा निकली, इसलिए अभी हम आगे सुनेंगे, जहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, 100, 500 साल, 1,000 साल के, लेकिन ये कथा किससे सुने, बोले सुखदेव से। बोले क्यों, हम सुन रहे थे ना, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचो प्रिय चो मनेना एकांतक नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। इसलिए कहते हैं गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया कृष्ण इति नाम मधुरम इति पाठयती। बोले राधा रानी जिसको हाथ में बैठा करके कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, अनार की दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम बोलती थी, और राधा रानी कभी कभी इनको चुंबन भी किया है। इसलिए राधा जी के अधरा मृत ये सुखदेव गोस्वामी ठोंट पर लगा हुआ। और ये सुखदेव गोस्वामी है कौन, बोले राधा जी की एक सखी है। देखो साधारण लोग अगर कथा सुनाते कितना मीठा लगती है, अगर राधा रानी की कोई दासी, राधा रानी की कोई सखी अगर कथा सुनाएगी तो आप बताओ कथा में कितना आनंद नहीं आएगा, कथा में कितने रस नहीं आएगी। इसलिए बोले सुख मुखार। दूसरा कारण बताए, बोले भैया ये फल कहाँ पर था, ध्यान देकर सुनो, कल सबको पूछूंगा मैं, मैंने क्या क्या बताया, कभी ये फल कहाँ पर था, बोले पेड़ का सबसे ऊंचाई शाखा पर था। वो फल को दूसरे दूसरे जो लोग है ना उनको नजर में नहीं आया है, लेकिन ये जो फल है ये केवल श्री सुखदेव गोस्वामी की नजर में आया। बोले मतलब क्या, बोले मतलब है जब तक हम गुरु परंपरा में नहीं आओगे ना भैया, वो प्रेम रस को आस्वादन तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए गुरु परंपरा एवं गुरु परंपरा प्राप्तम, इसलिए जो केवल गुरु परंपरा में आएगा, सुखदेव गोस्वामी गुरु परंपरा में आए हैं तभी ये रस को कोई आस्वादन कर सकता है, इसीलिए उनको वो फल दिखा। और तीसरा चौथा कारण बताएं, चौथा कारण बताते हैं, जैसे सुख मुखात, पान कैसे करनी चाहिए ऐसे नहीं, अपना इच्छा अनुरूप नहीं, उदाहरण देते हैं, जैसे यहाँ पर हरा नारियल बिक रहा है, हरा नारियल बिकता है ना, उसको कैसे आप लोग पीते हो, कोई पानी पिए कि नहीं, देखना उसको पीने के लिए एक नियम है, क्या है, उसको ऊपर काट देते हैं, एक छेद कर देते हैं, उसमें एक पाइप डाल देते कि नहीं, आप देखना उसका पूरा के पूरा रस एक बूंद भी बिखरता नहीं, वो पूरा के पूरा तुम्हारी मुंह में आएगी। लेकिन अगर पीने का शैली नहीं जानती हो ना, अगर वो उसको डाल, अगर उसको अगर बीच में काट दोगे तो क्या होगा, सारे पानी बिखर जाएगी। इसलिए कथा को कैसे आस्वादन करनी चाहिए, बोले श्री गुरु परंपरा के द्वारा सुख मुखात, बोले उनकी मुंह से, मतलब गुरु परंपरा से अगर पान करेंगे तो ये जो रस है पूरा के पूरा आएगा। फिर यहाँ पंचमा कारण बताते हैं, वो फल कहाँ पर था, बोले सबसे ऊंचाई शाखा पर, और पका हुआ फल था, जब उसने चोंच मारे तोता ने इतना दूर से गिरा, जैसे मानो कोई आम का फल पेड़ की सबसे ऊंचाई शिखा पर लगा हुआ हो, अगर वहां से गिरेगा तो क्या होगा, फट जाएगा ना, वो फट जाएगी कि नहीं, फल फट जाएगी ना, वो फटा नहीं क्यों, वो यूं की त्यूं क्यों आई, कारण बताए, सर्वप्रथम वो फल को खाने वाले कौन, बोले भगवान कृष्ण वो फल को खाए, फिर किसको दिया, बोले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जब खाए उसमें दोनों का अधरामृता आ गया, कृष्ण का और श्री ब्रह्मा जी की, फिर ब्रह्मा जी खा करके नारद जी को दिया, जब नारद जी खाए ना उनकी भी अधरामृता उसमें लग गई, नारद जी व्यास देव को, फिर उनकी अधरामृता लग गई, फिर उन्होंने दिए मध्वाचार्य को, फिर जब चैतन्य माधवेंद्रपुरी को पास में आए ना, कहते भैया ये माधवेंद्रपुरी कोई साधारण नहीं, प्रेम का धारा की अंकुर श्री माधवेंद्रपुरी, हमारी रस धारा महाप्रभु जो मंजरी भाव को देने के लिए आए थे उसका मूल श्री माधवेंद्रपुरी, जब इन्होंने खाए ना उसमें विशेष विशेष रस आ गई। लेकिन उसको जब ईश्वरपुरी को पास में आए, फिर आए चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फिर जीव गोस्वामी खाए, ये फल जितने नीचे आ रहा है ना उसमें क्या हो रहा है, ये सभी की अधरा मृत लगते लगते ज्यादा उसमें स्वाद आ रहा है। लेकिन फिर प्रभुपाद के पास में,
फिर हमारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को पास में, फिर वही रस किसको पास में आए, श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज नारायण गोस्वामी महाराज को पास में, फिर वो फल कहां पर आए, बोले श्री बन महाराज को पास में। ये फल आए श्री बन महाराज को पास में, लेकिन ये फल जब जितना नीचे आ रहा है ना उसमें ज्यादा मिठास आ रहा है, ज्यादा उसमें मिठास आ रहे हैं, फिर वो फल किसको पास में जो आए, उसको शिष्य प्रशिष्य को पास में आता है। इसलिए वो फल कहते जितने नीचे आ रहा है ना वो फल ज्यादा से स्वाद हो चुका आ रहा है, उसमें कम नहीं वो स्वाद ज्यादा आ रहा है। इसलिए क्या करो भाई रस को, इसको गुरु परंपरा से प्राप्त करो। इसलिए सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, बोले भैया क्या करो, बोले पी बतम, इसको पान करो। फिर टीकाकार लोग प्रश्न करते हैं, बोले भैया आपने पहले बता दिया फल है, आप बताओ फल को खाते हो ना फल को पीते हो, अरे बोलो पीते हो ना फल को खाते हो, खाते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं पी पियो। बोले भैया ये ऐसे के फल है ना जिसमें छिलका भी नहीं जिसमें गुठली नहीं, वो जिसमें रस ही रस है उसमें छिलका गुठली है ही नहीं, इसलिए एक दिव्य रस है। जैसे कोई जूस हो रस हो, आप बताओ उसको किधर से पीते हो, मुंह से पीते हैं किधर से पीते हैं, लेकिन अभी जो रस को पान कर रहे हो किधर से पी रहे हो, जोर से बोला हाँ, ये चीज को समझो। देखो मुंह से पीने का और कानों में पीने का क्या फर्क, ये चीज को समझ लो। कोई चीज अगर हम मुंह से पिएंगे ना अब अंदर में रख ही नहीं सकते, वो निकलेगा ही, कोई चीज भी मुंह से पियो निकलेगा, लेकिन जो चीज को कान से पीते हो कभी निकलेगा, वो अंदर में टिकेगा। इसलिए कहते भैया ये रस को मुंह से मत पिया करो, किधर से पिया करो ये रस को, अरे जोर से बोलो, कहते ये रस को कान से पियो, ये मुंह से पीने का लायक है नहीं। लेकिन कहते हैं भैया पीते तो है सब निकल जाती है, जो टिकती नहीं, इधर से सुनो और दूसरे तरफ में निकल जाती है। तब इन्होंने एक बड़ी बड़ी अच्छी बात बताई, ये चीज को समझो, कहते मुंह रहो रसिका भूमि भावुका, बढ़िया उदाहरण दिया है। आप उसे एक प्रश्न करता हूँ उत्तर देना, देखता हूँ कौन उत्तर दे पाता है। जैसे एक कलसी है, लेकिन कलसी में छेद ही छेद है, कलसी में छेद ही छेद है, अगर कोई चीज उसमें डालोगे तो निकल जाएगा, लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है भले ही उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो लेकिन एक बूंद भी नहीं निकलेगी, ऐसे कौन सा उपाय है जिसको करने से एक बूंद भी नहीं निकलेगा, बोलो। हाँ पहले पहले सुन लिया था ना इसलिए इसका उदाहरण, इस चीज को समझ लो, भले इसमें जितना छेद क्यों नहीं हो अगर ये कलसी को अगर पानी में डूबो करके रख लोगे ना वो नहीं निकलेगा, भले ही जितने छेद क्यों नहीं हो। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहती हैं, कहते हैं भले ही हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ क्यों नहीं हो, अगर हर समय हम भगवान की कथा रस में डूबे रहेंगे तो उसमें एक बूंद भी नहीं निकलेगी, एक बूंद भी नहीं निकलेगी। इसका प्रमाण देख लो, इसका प्रमाण देख लो, देखो अच्छे तरह समझो, हम सभी के अंदर में काम क्रोध लोभ है कि नहीं बताओ, हमारे कूट कूट कर अंदर में सभी के अंदर में भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जो कथा रस जो पान कर रहे हो अभी कोई काम सता रहा है ना, क्रोध सता रहा है ना, लोभ मोह कोई सता रहा है आपको, किसी काम क्रोध लोभ आपको सता रहा है कोई नहीं सता रहा है, लेकिन जब तक ये कथा रस में डूबे रहोगे भैया ये काम क्रोध तुम्हारी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये गेट से बाहर जाओगे ना तभी आकर सताना शुरू कर देगा, लेकिन जब तक ठाकुर की भागवत कथा में बैठे हो तब तक ये आपको सताने वाले नहीं। इसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुंह रहो भैया कथा रस से निकलना नहीं उसमें डूबे रहो। भले कहते भैया पान कब तक करे, भले आलयम, आलयम मतलब होता है पी 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 करके जब तक तू बेहोश नहीं हो जाते हो ना तब तक पियो, देखना है कि शराब क्या करता है, कब तक पीता है, जब तक पी पी करके हाँ सो नहीं जाता है हाँ बेहोश नहीं तब तक पीता है, लेकिन जब फिर उठता है फिर पीता है, फिर उठता है फिर पीता है। इसलिए क्या करो भैया ये रस को छोड़ना नहीं, ये रस को हर समय में इसको पान करते रहो। बोले भैया रस को कौन पान कर सकते हैं,
बोले रस को सभी नहीं पान कर सकते, ये सभी नहीं पान कर सकते हैं। कहते केवल दो व्यक्ति ये रस को पान कर सकते हैं। कौन? बोले जो रसिक और जो भावुक है, यही दो व्यक्ति ही पान कर सकते हैं। मतलब है आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं ना, आप सबके सब रसिक और भावुक हो, रसिक और भावुक हो तभी यहाँ पर बैठ करके पान कर रहे हो। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बढ़िया बात बताते हैं, ध्यान देकर सुनो। बोले भैया रस को किसने किसने पान किए, ये रस है क्या चीज? कहते जो रस है ये राधा कृष्ण का प्रेम ही इसमें रस है, ये रस राधा कृष्ण का प्रेम है। बोले ये रस को पान करने वाले कौन है? बोले यद्यपि सब भक्त लोगों ने पान की है, लेकिन इस सर्वतम रूप में अगर किसी ने पान की है ना, ये ब्रज गोपियों ने पान किया है। इन्होंने जैसे पान की, वो कृष्ण का अधरामृत ही पान है। अभी कृष्ण की अधरामृत वो कौन पान करने वाले? ब्रज गोपियां ही है। इसलिए सर्वतर रूप में ये ब्रज गोपियां ही ये रस को पान कर सकते हैं। इसका प्रमाण देते हैं बामन पुराण में, कहते वेद का जितने ऋचाए हैं, भागवत क्या है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है ये है, फल ये है। इसलिए बामन पुराण में आया है कि जो वेद का जितने ऋचाए हैं, इन लोगों ने एक एक गोपी मूर्ति लेकर के तपस्या की। जब भगवान कृष्ण को तपस्या की, भगवान संतुष्ट हो गए। बोले वर्मा को, बोले ठाकुर जी ये गोपियों ने जैसे तुम्हारी भजन किया ऐसे ही हमें भक्ति दो। कृष्ण बोले नहीं, ये नहीं दे सकता हूँ, और कोई चीज मांगो। बोले नहीं, चाहिए तो गोपी प्रेम चाहिए। भगवान बोले ठीक है, तुम लोग वृंदावन में ये गोपी मूर्ति लेकर के आओ, गोपी बन करके आओ, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तभी वो रस को तुम लोग पान करूंगी। इसलिए ये गोपियों ने ही, गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती हैं ये गोपियां हैं। इसलिए गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, आप सब जानते हो, तभी बोल देता हूँ। ब्रज में कोई एक नवेली, कोई नई बहू शादी करके आई है। ब्रज में कौन शादी करके आती है? साधारण कोई लड़कियां नहीं, ये सब के सब वेद का मंत्र, हाँ दंडकारण्य के ऋषि मुनि, इन लोगों ने स्वर्ग की देवियां, ये सब गोपी बन करके आई है, ये साधारण नहीं। अभी कृष्णा जब गोचारणा करने जाते हैं, कृष्णा बड़ी मीठी 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 बंसी बजाते हैं। अभी बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रजवासी सारे काम धाम छोड़ करके आ जाते, क्यों? दिन भर कृष्ण दर्शन नहीं होगा, शाम को जब कृष्ण वापस आएंगे फिर कृष्ण दर्शन होगा। सबके सब भागते हुए जा रही है। वो जो नई बहू थी ना, बोले मैं भी वो कृष्ण को दर्शन करने जाऊंगी। सास बोले खबरदार जाना नहीं। बोले क्यों? बोले ये काला सांप एक बार अगर काट देगा ना, बोले जहर उतरने वाले नहीं है, वो उतरेगा नहीं, वो जहर, खबरदार जाना नहीं। बोले भैया तुम भी तो बुढ़िया होकर के जा रही हो, ससुर भी तो बुरा होकर के जा रहा है, ननद भी जा रही है, सारा दुनिया जा रही है, और ये काला सांप किसको काटेगा नहीं, मेरे को ही काटेगा। बोले तेरे को काटेगा, किसको काटेगा नहीं, क्योंकि नई बहू ना हो, वो सारे वेद का मंत्र तो रूप धारण करके आई है। इतने में गोपी सुनी नहीं, बोले मैं तो जाऊंगी। वो अपना घूंघट उठा करके कृष्ण को दर्शन कर रही थी। कृष्ण घटघटवासी सब जानते हैं कौन भक्त कहाँ पर मेरे को दर्शन कर रही है। इतने में कृष्ण ने किया कि वो गोपी के तरफ में एक बछड़े को मुंह करके उसका पूछ को एंट दिया। इतने में बछड़ा फुदकते हुए गोपी को पास में पहुंच गया, और कृष्ण उसकी बहाना बना कर गए, और हाथ में जो बंसुरी थी ना, वो बंसुरी से गोपी की कपल पर, गाल पर स्पर्श कराया, और एक बार तिरछी चितवन से देखे, और थोड़ी सी मीठी मीठी थोड़ी सी मुस्कुराहट से देख लिया। कृष्ण का तिरछी चितवन नहीं, वो तीर है, मुस्कान नहीं, वो क्या जादू है, कृष्ण स्पर्श, कृष्ण की हंसी, कृष्ण की जो बंसी ध्वनि, कृष्ण की तिरछी चितवन, जब उसको ऊपर में एक साथ में गिरी ना, वो तो ठगी सी ठगी रह गई। कृष्ण ने उसका मन प्राण चित्तों को चोरी करके सब लेकर चले गए। जब चले गए उसकी सास ने देखी, सबके सब तो आ गए, मेरी बहू कहाँ है, मेरी बहू कहाँ है। वो आकर के देखा, वो ठगी सी ठगी, शरीर में जैसे जान नहीं, क्यों? उसका मन प्राण तो कृष्ण ने लेकर चला गया। सास ने कहा तेरे को मैंने पहले से मना कर रही थी, तू दर्शन करने मत जा, देखा ना वो काला सांप ने काट दिया तेरे को,
अभी सोच रही है इसको कुछ काम में लगा दूं तो मन वापस आ जाए, बोले बैठो, बैठ करके दधि मंथन करो। जब थोड़ी देर बाद में आई ना, वो दधि मंथन क्या, वो राई मंथन कर रही थी, क्योंकि इसका तो मन है नहीं। मन तो कृष्ण कहते ना, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध ईस। मन से दस बीस है ही नहीं, मन तो एक ही है। सोची इसको चलने फिरने का काम में लगा, तो बोले जा कुएं से पानी भर कर ले आ। तीन चार मटकी सर पर रख दी, एक बच्चे को हाथ में पकड़वा दिया, रस्सी पकड़वा दिया, जा पानी भर कर ले आ। जब वो पानी भरने के लिए गई, पानी क्या भरेगी, और रस्सी को कलसी में क्या लगाएगी, रस्सी को तो बच्चे को गले में लगा दी, और गले में लगा करके उसको कुएं में डाल रही थी। इतने में कुछ गोपियों ने कहा, भैया इसको तो भूत लग गया, इसको तो भूत लग गया। लेकिन वहां पर तो अनुभूति संपन्न गोपियां थी, बोले भैया इसको भूत नहीं लग गया, नंद जसोदा की पूत लग गया है। इसको नंद जसोदा की ये पूत रूपी भूत लग गया, क्योंकि साधारण भूत तो छोड़ जाती है, लेकिन कृष्ण रूपी भूत अगर लगे ना भैया, जितने मंत्र पढ़ो ना उतना ताकत बढ़ती है। सब आप लोगों को भूत चढ़ा हुआ है, लगा कि नहीं तुम लोगों पर भूत को काला रंग चढ़ा के, तभी तो भगवान छोड़ बैठे हो ना, तभी तो यहाँ पर बैठे हो, नहीं तो यहाँ पर थोड़ी आती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कैसे वो भक्ति रस को पान करनी चाहिए, गोपियों ने जैसे वो भक्ति रस को पान किया, यही भागवत हमें आशीर्वाद देती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, करुणामयी गौरमयी अरविंदे करुणामयी राधे। नहीं चलो चलो फटाफट लगा दो, आगे आ जाओगे वो पीछे माता ही बैठे। Yeah.
सहस्र सममासत। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे घोर कलियुग आने पर सौनकादि ऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले ये कलियुग से कैसे बचे। ब्रह्मा जी मन से एक चक्र प्रकट करके फेंके, बोले जहाँ पर ये चक्र गिरे वहीं पर तुम भजन करना। जब वहीं पर भजन कर रहे थे वहाँ पर श्री सुत गोस्वामी आए। सुत गोस्वामी को देख करके सौनकादि ऋषियों ने आसन दे करके बैठाए, बोले हे गुरुदेव आप तो गुरु जी की कृपा से, बोले ब्रूहि सिद्धस्य शिक्षस्य, कहते गुरु जी की कृपा से ही आपने जितने वेद पुराण इतिहास को आपने सब कुछ प्राप्त किया है। देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर कह रहे हैं किसकी हृदय में गुरु जी की सारे विद्या, किसकी हृदय में प्रकाश होगा, बोले गुरु जी की कृपा से तभी ये सारे विद्या हृदय में प्रकाश हो सकती हैं। और उस शिष्य का हृदय कैसे होनी चाहिए, बोले उसका जो हृदय है निर्मल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। कपटता रहेगा तो भैया उसके हृदय में शास्त्र प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए गुरु जी कहते हैं भैया तीन तरह के शिष्य भी है, एक तो शिष्य गुरुव है और एक साथ एक तामस की शिष्य है, एक राजस की शिष्य है और एक सात्विक की शिष्य है। बोले शिष्य गुरुव कौन है, हाँ ध्यान देकर शिष्य, बोले शिष्य गुरुव का मतलब, शिष्य गुरुव मतलब क्या है, मूर्ख शिष्य है जो गुरु जी को पास में इसलिए आते हैं, बोले भैया गुरु जी को पास में तो बहुत भक्त आते हैं, गुरु जी को पास में तो बहुत प्रणाम भी है और गुरु जी का नाम भी बहुत है और गुरु जी का प्रपट भी बहुत सारे। अगर ऐसे गुरु जी को पास में जाओगा तो क्या होगा, ये गुरु जी को बाद में ना सारे संपत्ति मेरे पास में आ जाएगी। वो भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं है, गुरु जी की वैभव को देख करके और गुरु जी को पास में प्रणाम ही आता है। अगर गुरु जी को सेवा करेंगे सारे प्रणाम ही हमें भी मिलेगा। इसलिए जो कपट बुद्धि से गुरु जी को पास में आते हैं, अर्थ लोभ से, प्रतिष्ठा लोभ से और आसन को दखल करने के लिए, नजर कहां पर है, उदाहरण देते हैं जैसे चील है ना, वो ऊपर में उड़ता, उड़ता तो ऊपर में है लेकिन नजर कहां पर है, सबसे निकृष्ट वस्तु कहां पर, सड़ा गला हुआ कहां पर पड़ा हुआ है गंदी चीज, वो नजर वहीं पर रहता है। इसलिए ये लोग कौन है, बताइए, ये शिष्य गुरुव है, इनकी भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं। गुरुदेव कब जाए और सारे आसन को कब हम दखल करके इसको ऊपर मालिक कैसे बने, इनको कहते शिष्य गुरुव, जिनकी परमार्थ से कोई इनकी संबंध नहीं। क्या दूसरे तरह का जो शिष्य है, कहते तामस की शिष्य है, अच्छा तरह से सुनो, ये तामस की शिष्य है, बोले कौन है, आप महाभारत देखे होंगे हैं, महाभारत में देखे होंगे वहां पर एक एकलव्य था, वो एकलव्य ने द्रोणाचार्य को पास में शस्त्र विद्या सीखने के लिए आया, बोले क्यों, उसने देखा अर्जुन का बड़ा महिमा है, ये अर्जुन को कैसे नीचा देखा है, भैया अर्जुन तो कृष्ण भक्त है, जो भक्तों को नीचे दिखाने के लिए उसने सोचा अगर गुरु जी से धनुर्विद्या को प्राप्त करेंगे ना फिर तो एक दिन अर्जुन को भी परास्त कर सकता हूँ, इसलिए। लेकिन द्रोणाचार्य तो साधारण थे नहीं, बोले हम तुम्हें विद्या नहीं सिखाएंगे। उसने क्या किया, द्रोणाचार्य का मिट्टी का मूर्ति बनाया, मिट्टी का मूर्ति मूर्ति बना करके उससे उसने धनुर्विद्या को सीखा और प्रैक्टिस करते करते इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया था। जब पंच पांडव कभी जंगल में गए, इनको साथ में एक कुत्ता था, वो कुत्ता भो भो करके आगे गया लेकिन वो एकलव्य ऐसे बाण उसको मुंह में मारे खोरच तक भी लगा नहीं और मुंह में पूरा बाण बाण भर गया, वापस आ गई कुत्ता, बोले देखा एक खोरच तक भी नहीं मुंह में बाण भरा हुआ, जाकर देखा एकलव्य, बोले भैया तेरे गुरु जी का नाम क्या, बोले द्रोणाचार्य, ने द्रोणाचार्य को मूर्ति देखा। अर्जुन जब वापस आया, बोले गुरुदेव दुनिया कहता है आप भी कहते हो मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन है लेकिन आपका भी और कोई एक बड़ा शिष्य है, बोले कौन, बोले एकलव्य है, बोले कैसे पता चला, उन्हें सारी बात बताई। द्रोणाचार्य आए शिष्य के पास में, बोले बेटा गुरु कौन है, बोले आप ही हो, आपका मूर्ति बना करके
मैंने बाण सीखा। बोले नियम है, गुरु जी को साथ में विद्या सीखा तो दक्षिणा देना पड़ता है, तुम तो दक्षिणा दिए ही नहीं। बोले गुरुदेव मांगो क्या चाहते हो। बोले तुमने दाहिने हाथ का जो वृद्ध अंगुष्ठ है उसको काट करके दे दो। अब महाभारत देखे होंगे ना, काट दिया उन्होंने और गुरु जी को दान दे दिया उन्होंने। ऐसे उसने गुरु भक्त था, लेकिन साधारण लोग के लिए क्या लगेगा, गुरु जी तो बड़ा बुरा किया, शिष्य का दाहिने अंगूठे काट कर ले गया, क्यों उसमें खेचता है, तीर खेचते है ना, बोले तो बड़ा बुरा काम किया। लेकिन नहीं, कहते ये तामसी की शिष्य है, गुरु जी के आदेश के बगैर किसी गुरु जी की श्रेष्ठ शिष्य और भगवान की जो भक्त को नीचा दिखाने के लिए जोर जबरदस्ती गुरु जी की आज्ञा के बगैर जो विद्या को सीखे, कहते भैया ये तामस की विद्या, ये विद्या भी तुम्हारी कोई काम में आने वाले नहीं। तीसरा नंबर है बोले सात्विक, कहते ये कौन है, बोले कर्ण। कर्ण का नाम सुने होंगे, देखे कि नहीं, कर्ण को सुने, इसने देखा अर्जुन का बड़ा महिमा है, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन है, वो अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने परशुराम के पास में गया और वहां से उन्होंने धनुर्विद्या को उन्होंने सीखा है। और ऐसे धनुर्विद्या सीखे आप लोग देखे होंगे कर्ण का क्या प्रताप है, कितना प्रताप है, लेकिन वो विद्या भी नष्ट हो गया। क्यों, जिस समय गुरु जी इसकी जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे थे, एक कीड़ा आ गया और उसको पैर को एकदम छेद कर गया और खून जब बहने लग गया, गुरु जी ने तो ये गीला गीला कहां से लग रहा है, देखा खून की धारा बह रहा है, देखा कीड़ा, बोले तू सच सच बता तू कौन है, कौन सा, उसने झूठ बोला था गुरु जी से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं, वो क्षत्रिय था, गुरु से झूठ बोला। बोले तू क्षत्रिय है, ये सहन शक्ति कभी ब्राह्मण में हो ही नहीं सकता है, ये क्षत्रिय का अंत, बताओ तू सच सच बताओ। बोले गुरु जी गलती हो गई, मैं क्षत्रिय हूं। बोले मैं अभिशाप देता हूं, जो विद्या तुमने मेरे से सीखी जीवन में सबसे जब प्रयोजन का समय में आएगा, मंत्र तुम्हारी याद नहीं आएगा। अर्जुन को साथ में जो युद्ध कर रहे थे उनने मंत्र को याद किया, मंत्र याद नहीं आया, वो देखने के लिए क्या लगता है बड़ा धनुर्धर है, लेकिन ये भी निष्फल हो गया है, ये भी निष्फल हो गया है। बोले सात्विक कौन है, बोले ये बताया आरुणी और उपमन्यु है, इनका उदाहरण दिया, ये भी गुरु जी की बड़ी सेवा की है, बड़ी सेवा की है, लेकिन होने पर भी सात्विक संपन्न है, लेकिन उनका जो लक्ष्य गोलोक वृंदावन नहीं है, राधा कृष्ण की सेवा नहीं, जल्दी भी गुरु जी की बड़ी सेवा की है, उसमें भी गुरु जी बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। भैया सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन है, बोले श्रेष्ठ वही है, जैसे उन्होंने लास्ट में उदाहरण दिया कृष्ण सुदामा, इन्होंने भी गुरु जी की बड़ी सेवा की है, क्योंकि गुरु माता ने बोले सुखी लकड़ी लेकर के आओ, आप देखे होंगे सुखी लकड़ी को एक कटे करके खड़े थे कृष्ण सुदामा, इतने मुसल धारा से बारिश हुई, चारी तरफ में पानी पानी हो गया, लेकिन लकड़ी को नीचे नहीं उतारे, क्यों, फिर रसोई कैसे बनेगी, रसोई कैसे बनेगी। गुरुदेव ने देखा कृष्ण सुदामा तो गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए, गुरु जी आए, बोले कृष्ण सुदामा तुम कहाँ पर हो, बोले गुरु जी हम यहाँ पर है, पानी में ठिठुर रहे थे, गले तक पानी, लेकिन भगवान गुरु सेवा के लिए उन्होंने क्या किया, सूखी लकड़ी की गठरी लेकर खड़े थे, गुरु जी दर्शन करके खुश हो गए, सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया, जितने वेद पुराण तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं ना अहम इज्जा प्रजाति तपस उपसमने वा तुष्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु सुश्रू सह जाता, गुरु जी की सेवा से मैं जितना संतुष्ट होता हूँ और किसी को द्वारा भी मैं इतना संतुष्ट नहीं होता हूँ, इतने संतुष्ट नहीं होता हूँ, इसलिए गुरु जी की सेवा हमें करनी चाहिए। एक समय गुरु जी कह रहे थे, कोई एक शिष्य आया गुरु जी के पास में, बोले गुरु जी आप मेरे को पहचानते हो, गुरु जी ने बोले तुम कौन हो, बोले गुरु जी मैं तो आपका शिष्य हूँ, आप अपना शिष्य को पहचान नहीं पाए। गुरु जी ने कहा कितने साल के बाद में आए हो, बोले एक साल के बाद में आया हूँ गुरु जी के पास में। बोले आए हो एक साल के बाद में, गुरु जी की सेवा नहीं कुछ भी नहीं, और तू एक साल के बाद में आकर कहते गुरु जी हमें पहचानते हो,
इसलिए बोले नित्यम भगवत सेवा है, नित्य गुरु जी की सेवा करना पड़ेगा, गुरु जी को पास में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तब तो भक्ति बढ़ेगी ना। जैसे गमला में हमने लगा दिया, क्या वृक्ष लगा दिया, पानी नहीं दोगे दो दिन बाद में सूख जाएगी। इसलिए महाप्रभु कहते हैं नित्य श्रवण कीर्तन जले करे सचन, मंदिर में आना पड़ेगा, गुरु जी की संग करना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, तब तो भक्ति लता बढ़ेगी। बढ़ेगी कहाँ से भक्ति लता, कोई मतलब नहीं, गुरु से माला तिलक लेकर घर में चले गए, कोई गुरु जी से मतलब नहीं, जब आए गला में कंठी नहीं, तिलक नहीं, माला ही सब उतर गया, क्यों संग नहीं करते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते भैया नित्य संग करना पड़ेगा साधु गुरु वैष्णव की, तभी तो भक्ति लता बढ़ेगी, नहीं तो धीरे 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 वो घटती जाएगी। इसलिए कहते यहाँ पर सुदामा भी भक्ति की है, गुरु जी की सेवा की, लेकिन द्वारकाधीश की भक्ति की है, लेकिन वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की नहीं। इसलिए कहते हैं सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन है, बोले श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, इन लोगों ने जो महाप्रभु की आनुगत्य में वो ब्रज प्रेम को पाने के लिए जो भक्ति की है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, वो मंजरी भाव है, जिसको महाप्रभु ब्रह्मा की एक दिन में एक बार आकर के जो दुर्लभ प्रेम को प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सौनकादि ऋषि लोग कहते हैं ब्रूही सिद्धस्य शिष्यस्य, जब तक शिष्य का हृदय निर्मल नहीं होना, कपटता हो, गुरु जी का पकट का प्रति नजर, भक्ति में नजर नहीं, कपट में, कहते ये कपट भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं। इसलिए जब हमारी हृदय शुद्ध होगा तभी गुरु जी की भावना हमारी हृदय में, तभी स्फूर्ति होने वाले, नहीं तो स्फूर्ति होने वाले नहीं। इसलिए सौनकादि ऋषि लोग कहते हैं सुत गोस्वामी, जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, सुत गोस्वामी कहाँ बैठे हुए थे, सबसे पीछे बैठे हुए थे, और जाति के छोटे हैं, जाति के छोटे जाति है। अब महाभारत देखे होंगे ना, कर्ण को अर्जुन बारंबार है सुत पुत्र बैठ चुप कर, सुत पुत्र मतलब क्या है, जो रथ को चलाने वाले नीचे जाति के हैं, लेकिन आज ये नीचे जाति व्यक्ति को प्रश्न कौन कर रहे हैं, सौनकादि ऋषि लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि लोग शिक्षा क्या देते हैं, भगवान की भक्ति में जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो, हरि का हजा सो, हरि का होई। इसलिए भगवान की भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं बोले ए मन की करे भरणा कोला, ए मन की करे भरणा कोला, जय कोले के ना जना बना केवल के मोला, जय कोले के ना जना बना केवल के प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं भैया तुमने ये पुल को बड़ा कैसे कर दिया। हाँ ध्यान देकर सुना, एक एक उदाहरण देते हैं, मतलब बताओ हनुमान जी कौन कुल में जन्म लिए। हनुमान खुद कहते हैं सवेरे अगर कोई उठ करके मेरे मुंह देख ले ना, मेरा नाम ले, दिन भर उसको भोजन नहीं मिलेगा। हनुमान खुद कहते हैं, लेकिन कहते देखो मैं भगवान राम की भक्ति करता हूँ, आप देखना भगवान राम की जितने मंदिर पूजा है देखना हनुमान उसको ज्यादा है। रोड रोड में हनुमान की मंदिर देखोगे, घर घर में भले ही राम का तस्वीर नहीं पूजा नहीं हो, लेकिन किसकी पूजा हो रही है, हनुमान की पूजा हो रही है। क्यों कहते केवल भगवान की भक्ति किए। दूसरा उदाहरण देते हैं प्रहलाद, वो राक्षस कुल में जन्म लिया। देखो हम कहते ना भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की,
जिसने खंबे से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। जब उनको बोले हिरण्यकशिपु बताओ तेरे भगवान कहाँ है, ये तो बता मेरे भगवान है नहीं कहाँ, बोले खंबे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है। सचमुच नृसिंहदेव प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु बोले पहले तेरे प्रभु को दिखाऊंगा तेरे को बाद में। मारे मुष्टि का घात खंबा फट गया, स्वयं श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की विभीषण जी, विभीषण जी जब भगवान राम दरबार लगता है, भगवान जितने ऊंचे सिंहासन में बैठते हैं विभीषण को भी उतना ऊंचा सिंहासन देते हैं। सबरी झूठे बेर सबरी के खाए, बहु विध स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए यहाँ पर छोटे जाति होने पर भी उन्होंने प्रश्न की, कल हम लोग सुन रहे थे, छह प्रश्न किया। छह प्रश्न का जो पहला प्रश्न था, क्या पहला प्रश्न था, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, तब इसका उत्तर देते हैं। बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधोक्षजे आहाय तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। अगर कोई आत्मा को शांति पाना चाहते हैं उसको क्या करनी चाहिए, बोले सबई पुंसांग परो धर्म, कहते पुरुष मात्र का सर्वश्रेष्ठ धर्म किया है, बोले भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो, इसी से ही आत्मा को शांति तभी मिलेगी। क्योंकि जो जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव वो ईश्वर का ही अंश है, इसलिए जीव का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य ईश्वर की भक्ति करना। आप बोलोगे भैया संसार जो हमारी है, पुत्र परिवार भी हमारी, बोले उसका प्रति तुम्हारी कर्तव्य है, तुम्हारी धर्म नहीं है। संसार प्रति तुम्हारी कर्तव्य धर्म तुम्हारी नहीं है, हैं धर्म नहीं है। जैसे एक उदाहरण दिया, देखो जैसे आप पानी अगर यहाँ से डालोगे ना, बताओ पानी कहाँ जाएगी, अगर यहाँ पानी डाल दो तो पानी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी ना, नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, नीचे कहाँ मिलेगी, पहले नाली पर नदी पर समुद्र पर, क्यों, वो समुद्र से आया है। जैसे कोई दिया जलाओ इसका लौ किधर जाएगी, किधर जाएगी बोलो, क्यों ऊपर क्यों जाएगी, उसका मूल सोर्स सूर्य है। जैसे कोई पत्थर लेकर के ऊपर फेंको किधर जाएगा, नीचे, क्यों, उसका मूल ये पृथ्वी है, ये मूल इसका पृथ्वी, उसका धर्म है। उसी तरह जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है, हैं ईश्वर का अंश होने का नाते उसका कर्तव्य है ईश्वर की ही आराधना करना, इसकी यही कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य यही है। आप बोलोगे भैया हम तो ईश्वर को भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं, कौन नहीं करता है भगवान की भक्ति, किस ना किस तरह से तो कर रहे हैं, पर ये शांति क्यों नहीं मिलता, बोले कारण है जैसे करनी चाहिए हम वैसे नहीं कर रहे हैं। हम तो भक्ति करते हैं कैसे, जैसे ठाकुर का मंदिर में गए, 10 रुपया की एक फूल की माला ले गया, ठाकुर को 10 रुपया की फूल की माला चढ़ाई, लेकिन एक पर्ची होगा कम से कम 10 करोड़, ठाकुर जी इसलिए आपको 10 रुपया की फूल की माला चढ़ा रहा हूँ, बेटे का नौकरी लगी नहीं अभी तक, बेटी की शादी नहीं हुई, हमारे घर के आगे देखो 3 मंजिल, अभी हम 1 मंजिल में रह गए हैं, हम तो अभी मोटरसाइकिल में घूम रहे, घर वाले सामने वाले हैं वो तो कार में घूम रहा है, ठाकुर जी मतलब 10 रुपया चढ़ाए नहीं, ठाकुर जी का अपना नौकर बना दिया, ठाकुर जी 10 रुपया इसलिए दे रहा हूँ अब आकर के हमारे घर का सारे काम काज करके जाओ, नहीं ऐसे नहीं कहनी चाहिए। इसलिए कहते भक्ति निष्काम होनी चाहिए, उसको में कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे एक व्यक्ति आने पर, एक व्यक्ति को अगर हम बारंबार मांगते हैं भैया कुछ पैसा दे दो पैसा दे दो, अगर मांगो ना क्या होगा, अगर वो व्यक्ति दूर से अगर हमको देखेगा ना रास्ता, वो रास्ता को मोड़ लेगा, वो देख कर क्यों आने पर मांगेगा व्यक्ति। अगर भगवान को बारंबार मांगोगे ना, अगर हम मंदिर में आओगे तो ठाकुर मंदिर छोड़कर भाग जाएंगे, क्यों कहते आने पर ये मांगता ही हर समय में, ये हमें मांगता रहता है। इसलिए ठाकुर जी का जो भक्ति है ना वो निष्काम भक्ति होनी चाहिए, उसमें कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग बोलोगे भैया हम थोड़ी साधु संत हैं, हम तो घर गृहस्थी, हमको तो धन दौलत पुत्र परिवार चाहिए, चाहिए कि नहीं बताओ, चाहिए कि नहीं, किसको नहीं चाहिए, चाहिए हम तो मांगेंगे। देखो कहते भगवान को मांगने का जरूरत नहीं है, आप इनको शुद्ध रूप में भक्ति करोगे ना। आप नरसिंह भगत का नाम सुने हो, कौन सुना हो नरसिंह भगत का नाम,
उसको उसको बेटी की बेटी थी जब शादी हो रही थी, उसका घर वाले जो उसका जो पीहर वाले थे इतने बड़े पर्ची निकाले, अब कभी टीवी में देखना पर्ची निकाले, बाबा रे कितने कपड़े, कितने अलंकार, कितने गहने, जैसे ये उसका जो जो पिताजी के पिताजी से कभी नहीं आ सके, क्यों, वो नरसिंह भगत साधु बन गया था, किसे आए नहीं, लेकिन आप देखे होंगे स्वयं लक्ष्मी नारायण स्वयं गए, ठाकुर जी सांवरिया सेठ स्वयं उसकी बेटी की शादी के लिए गए, आप देखे होंगे हीरे जवाहरात की बरसात होने लग गई, सोने की ईंट बरसात होने लग गई, आप देखे होंगे। इसलिए अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे ना, मांगने का जरूरत नहीं, शुद्ध रूप में भक्ति करो, कितना करते हो तुम कन्या, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे, हाँ भैया मांगने का जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं, इसलिए वो सब जानते हैं, वो इतने झोली भर कर दे देंगे ना तुम ले भी नहीं सकते हो। हाँ इसलिए कहते हैं पहला जो भक्ति है निष्काम होनी चाहिए, और दूसरा जो भक्ति है ना, कहते ये कैसा आहे तो कि अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब होता है जैसे सहेद अब डालोगे देखना उसमें एक धागा बन जाती है, देखो ना एक धागा बन जाती है, भक्ति हमारी ऐसे होनी चाहिए कभी टूटनी नहीं चाहिए, तार कभी टूटनी नहीं चाहिए 24 घंटा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि सयने की भोजने किबा जागरणे आहर निश्चिंत कृष्ण बोलो बदने, उठते बैठते सोते क्या करो, हाथ में काम और मुंह में भगवान की, मुंह में भगवान की नाम, बस हो गया। भगवान तो कलयुग में जो भक्ति सबसे सरल उपाय कर दिया, बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं है। इसलिए क्या करो, जो कुछ अपना घर में करो, देखो ध्यान देकर के, आप बोलोगे हम तो थोड़ी त्यागी संत हैं दिन भर माला लेकर बैठेंगे, देखो भागवत में जितने सारी कथा सुनोगे ना कोई त्यागी की कथा नहीं, सब गृहस्थ की कथा है। आप बताओ परीक्षित महाराज गृहस्थ थे ना त्यागी थे, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, ध्रुव महाराज सब गृहस्थ थे ना, कोई त्यागी थे, ब्रज गोपियां गृहस्थ थे ना, सब गृहस्थों का कथा यहाँ पर है, कोई त्यागी एक दो कोई त्यागी होगा नारद व्यास सुखदेव, लेकिन सब गृहस्थों का कथा यहाँ पर कोई त्यागी कथा नहीं है। इसलिए हाँ इसलिए यहाँ पर कहते हैं क्या करो, घर में जैसे घर है, घर किसने दिया है, ठाकुर ने दिया है, हैं जैसे गोपियां घर में झाड़ू लगाती थी, लेकिन कहाँ पर झाड़ू लगा रहे हो, बोले भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रही, बच्चे को थप थप लगा करके सुला रही हैं, इधर तक थप थप लगा कर सुला रही हैं, उधर मुंह से क्या बोल रही थी, बोले गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, घर का सारे काम करती हैं हाथों में, लेकिन मुंह में ठाकुर जी की नाम लेती, बस कलयुग में यही भक्ति यही सब कुछ है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, इसलिए देखो गोपियां तो घर में रहती थी ना, उद्धव जैसे व्यक्ति भी गोपियों के चरण की धूल प्रार्थना करते हैं, उद्धव जैसे इतने बड़े भक्त, लेकिन गोपियां तो गृह में रहती थी ना, लेकिन अपना मन में कन्हैया को बैठा कर रखती थी, जो कुछ बना देती खाना कृष्ण को भोग लगेगा, जैसे जीरा की छोंक देते ना मिर्च का छोंक देखते ही काला काला झट उनको कृष्ण की याद आती थी, किसका याद आती थी, कृष्ण की याद आती थी, हर चीज में उनको कृष्ण की याद, बड़े सुंदर रूप में श्रृंगार करती है, बोले क्यों, कृष्ण देख कर खुश होएंगे, कृष्ण देख कर खुश होएंगे। इसलिए हर काम करो, भगवान नहीं कहते छोड़ो, भगवान कभी नहीं कहते काम छोड़ो क्रोध छोड़ो, छोड़ने नहीं कहते, बोले जोड़ो जोड़ो। इसलिए गोपियों के अंदर में काम थी तभी तो कृष्ण को पति रूप में प्रार्थना की, काम क्रोध हनुमान के अंदर में क्रोध था तभी तो लंका जलाया, लोभ आप सबका अंदर में लोभ है तभी तो कथा सुनने के लिए आए हो। इसलिए कहते भैया कोई चीज छोड़ना नहीं है, पैसा 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 लक्ष्मी है, लक्ष्मी किसकी, नारायण की, पैसा के बगैर कुछ हो सकता है, आज पैसा था इसलिए नवीन प्रभु के परिवार के लोग तभी तो भागवत कथा कराए, अगर पैसा नहीं होता थोड़ी कथा करा दे, होता ही नहीं। इसलिए हर चीज को ना ठाकुर को सेवा में हर चीज को जोड़नी चाहिए, किसी चीज को हमें छोड़नी नहीं चाहिए। इसलिए भक्ति
अगर ऐसे अगर भक्ति करेंगे तो कहते जया आत्मा संप्रसिद्धति। संप्रसिद्धति मतलब है वो ऐसे आनंद की प्राप्ति होगी जो आनंद कभी नष्ट होने वाले नहीं। जो दूसरा जो प्रश्न था, कलियुग में भगवत प्राप्ति के सबसे सरल उपाय क्या है, तो इसको श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुत भयम् योगिनाम निर्निर्नित हरे नामानुकीर्तन। बोले कलियुग में ठाकुर जी सबसे सरल उपाय बताए, हरि का नाम कीर्तन करो। हैं भाई, बोले भैया नाम कीर्तन किसको किसको करनी चाहिए? बोले तीन व्यक्तियों को बताए हरि नाम करनी चाहिए। बोले कौन कौन? बोले एतत् निर्विद्यमानानां। अगर कोई बोलेगा अरे जो माया के संसार में फंसे हुए, जैसे हम लोग माया के संसार में फंसे हुए, ये हरिनाम तो हम लोगों के लिए नहीं, मुक्त महापुरुष भी हरिनाम करते हैं। हनुमान जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त, हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? बोले रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम। हनुमान जी दिन, शंकर जी बोले पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर भी पंचमुख में प्रभु का नाम जप करते हैं। कहते महामंत्र जयी जपत महेशा काशी मुकति हेतु उपदेशा। शंकर जी हर समय प्रभु का नाम ही जप करते हैं। माँ देवी आठ हाथ में देखना, एक हाथ में माला है। मैया देवी भी भगवान के नाम मैया देवी भी करते हैं। और गणेश जी गोस्वामी जी कहते हैं, हैं इसलिए एक समय 33 करोड़ देवता की मीटिंग बैठी, सबसे अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? बोले ये विश्व ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके पहला आ जाएगा। कितना बड़ी बात, विश्व ब्रह्मांड में कहते सबसे 33 करोड़ देवता में पूजा। ब्रह्मा तो हंस वाहन ले चले कार्तिक मयूर वाहन में, अभी गणेश कहाँ जाएंगे? गणेश का वाहन कौन है? अरे जोर से बोलो, अभी चूहे को लेकर कहाँ जाए? इतने में नारद जी आई, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले कोई चिंता मत करो, कृष्ण नाम को लेखो, नहीं तो राम नाम को लेखो, उसको 3 बार परिक्रमा कर लो, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। और 3 बार परिक्रमा करके चुपचाप बैठी गई, सारे देवता लोग घूम घाम करके, पता नहीं कितने दिनों के बाद में मीटिंग हुई। सबसे पहले कौन आए, किसने कहा ना मैंने, किसने कहा मैंने? गणेश जी कहते चुप रहो, पता नहीं कितने सालों में ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आए, तुम लोग तो एक ब्रह्मांड को परिक्रमा किया, मैंने अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को तीन बार मैंने परिक्रमा लगाई। सब लोग तो बड़े ढाल लगा कर हंसे, पेट मोटा चूहा वाहन कर, तीन बार हम कितने सालों में परिक्रमा लगा करके आए। तब उन्होंने व्याख्या किया है, उन्होंने भगवान का नाम को परिक्रमा की है, और हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए भगवान के अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड, जय जयकार हो गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले माही माजा सो जाना गण रावो, माही माजा सो जाना गण आप लोग हिंदी समझते हो? कौन कौन हिंदी समझते हो? देखो ये गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले महिमा जासु जान गण राव, गण राव मतलब गणेश जी हैं, जिस नाम की महिमा को समझ गए, बोले प्रथम पूज्य तो नाम प्रभाव, जो सर्वप्रथम पूजा केवल इसी कारण से वो ब्रह्म का नाम की महिमा को जाने, इसलिए जगत में उसी व्यक्ति की उतना ही पूजा हो रही है जो जितने प्रभु का नाम को जप किया है। लेकिन हम अभी का जो लड़का लड़की लोग क्या चाहते हैं ना, हम बॉलीवुड में से हीरो हीरोइन बनेंगे। अभी का जो यंग स्टार है ना, इनकी बड़ी तमन्ना हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बन करके बड़े बनेंगे। बताओ सुशांत था ना, कहाँ गया सुशांत? श्रीदेवी थी, गई कहाँ?
10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी कोई नाम कोई ले रहा है? लेकिन हनुमान, अगर हीरो बनना है ना, हनुमान जैसे हीरो बन जाओ। कैसे? हनुमान जैसे हीरो बनो। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी। हनुमान जी कब आए? कितने लाख साल पहले आए। ध्रुव प्रहलाद कब आए? देखो भागवत में देखो, सत्ययुग में कितने करोड़ साल पहले आए। अभी भी इनका नाम अमर। भैया हीरो हीरोइन बन करके बड़ा मत बनो, भगवान की भक्त बन कर बनो। भगवान की भक्त बन करके बड़े बन जाओ, दुनिया में तुम्हारी पूजा होती रहेगी। हैं? इसलिए अगर हम भी प्रभु का नाम जप करेंगे ना, जगत में कितने स्त्रियां हुई है, लेकिन यहाँ मीरा का नाम क्यों ले रहे हैं? भैया मीरा के नाम गोपियों के नाम क्यों आती है? भगवान की भजन किया है। इसलिए बड़े बने तो भगवान की भक्त बनकर बड़े बनो। इसलिए कलयुग में सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम को जप करनी चाहिए। यही कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, देखो आज एकादशी है ना, एकादशी का दिन जो एक बार नाम लेगा ना, उसको 100 बार नाम लेने का फल मिलेगा। कितना बार फल मिलेगा? 100 बार नाम लेने का फल मिलेगा। आज एकादशी में बड़ी महिमा है, इसलिए यहाँ पर कितने लोग है? 405 लोग बैठे हुए। नाम तो एक लोगे, लेकिन इस सभी का आवाज सबकी कानों में जाएगा। एक बार नाम लोगे, 500 बार नाम लेने का फल मिलेगा। ठीक है ना? इसलिए सबके सब जोर से बोलना मेरे साथ में, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कथा है ना। कहती ये कथा थोड़ा महाभारत का तरफ में मोड़ ले रहा है। ये जो महाभारत हुई है, ध्यान देकर सुनो, दो कारण से महाभारत हुई है। कितना कारण से? जोर से बोलो। आप भी अगर ये दो चीज से दूर रहेंगे ना, हमारे घर में महाभारत नहीं होगी। अगर ये दो चीज अगर जुड़ जाओगे ना, हमारे घर भी महाभारत का कारण बन जाएगा। ध्यान देकर देखो, पहला कारण था दुर्योधन चाहता था कि ये संपत्ति किसी को नहीं मिलनी चाहिए। हमारे भैया को संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। कभी कभी हम भी यही सोचते हैं, पिताजी का संपत्ति का मालिक हम ही बने और किसी भैया को अधिकार नहीं हो। देखना, इसलिए कर घर घर लड़ाई होता है, एक कारण। दूसरा कारण है द्रौपदी ने थोड़ा जिह्वा चला दी। उसने बोल दी, अंधा का बेटा अंधा होता है। इसको सुन करके दुर्योधन का जो क्रोध आया ना, क्रोध जो उसकी आया, बोले अंधा का बेटा अंधा होता है। इसलिए उन्होंने जुआ खेल करके सब कुछ हड़प लिया। बोले दुशासन, अभी द्रौपदी राज रानी नहीं, अभी दासी बन गई। पकड़ करके ले आ उसको भरी सभा में। और दुशासन ने भरी सभा में पकड़ करके ले आए, बोले इसको विवस्त्र करके मेरे जंघे के ऊपर बैठा दो। उस समय भीमसेन ने किया, बोले बोले जिस हाथ तुमने द्रौपदी की केश को आकर्षण की, घोर युद्ध में वो हाथ को उखाड़ करके फेंक दूंगा। दुर्योधन को बोला, जिस जंघे के ऊपर मित्र द्रौपदी को बैठना चाहते हो, घोर युद्ध में तेरे जंघे को मैं तोड़ दूंगा। क्या कि नहीं, क्या कि नहीं हुई कि नहीं? इसलिए भैया माताओं को सावधान करते, जीवा नहीं चलाई घर में, ज्यादा जीवा मत चलाया करो। देखना घर में क्यों लड़ाई होती है। बहू सास को कुछ बोल दिया, सास बहू को कुछ बोल, बस महाभारत का कारण बन जाता। इसलिए गुरु जी कहते थे, हर चीज में हड्डी है, हाथ में हड्डी है ऊंचा हो जाता है, कमर में हड्डी सीधा हो जाती है। हड्डी कहाँ पर नहीं है? जीभ में नहीं है। देखना यहाँ भी बैठ कर लपर 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 लपर, ये जुआ कभी चुप नहीं रहती है, ये जुआ कभी चुप नहीं रहती है। इसलिए महाप्रभु कहते, भैया अगर ज्यादा बोलना है ना, महाप्रभु क्या बोले, रोज रोज 1 लाख हरिनाम करो। ज्यादा बोलने की इच्छा है ना, माला लो ना, माला लेकर हरिनाम करो। आप बताओ रामायण किस लिए हुआ? सीता की वजह से। यद्यपि
जगत का सिखिया है। सीता जी ने क्या बोल दी थी उन्हें, जब जिस समय मारीच को पीछे चला गया कौन, रामचंद्र, बोले हमें इसको पकड़ करके ला दो। रामचंद्र चले गए, बोले देख लक्ष्मण सीता जी को देखते रहना, जाना नहीं। लेकिन वो मारीच कौन था, वो तो राक्षस था, जब बाण मारे बड़े चित्कार किए, बोले भैया लक्ष्मण। सीता बोले तुमने सुने है, तेरे भैया के ऊपर कोई विपत्ति पड़ी है। लक्ष्मण बोले मैं नहीं जा सकता हूँ, प्रभु राम ने मेरे को मना की आपको देखने के लिए। उनको पता राम ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। सीता ने किया जीवा जलाई, अभी समझ गई तू साथ में क्यों आया था, तू ये सोच रहे हो राम मरेगा तो मेरे साथ ही करोगे। जो लक्ष्मण सीता जी को माँ मानती हैं, चरणों को देकर कभी जिनके मुंह भी नहीं देखा, अगर उनको बोले तुम शादी करना तो शादी कर सकता है। इसलिए उन्होंने क्या की, बोले देखो माता जी मैं अभी तक कभी राम का मैंने आदेश को कभी अवमानना नहीं किया, जीवन में पहला बार कर रहा हूँ। एक चीज समझो, क्या मैं जो लक्ष्मण रेखा काट करके जा रहा हूँ ना, इसको कभी पार नहीं करना। सीता ने दो गलती की है, एक तो जीवा चलाए और उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया, फिर क्या तो किया हुआ रावण उठा करके ले गया। देखो माताओं को सावधान करते हैं, भैया कभी अपना मर्यादा का उल्लंघन मत करो, रावण उठा कर ले जाएगा तुमको। रावण आप बोलो भैया रावण का, रावण तो तृतीया युग में था, बोले रावण एक तृतीया युग में एक रावण था, अभी घर घर में रावण है, घर घर में रावण, अली गलियों में भी रावण घूम रहे हैं। इसलिए कहते भैया कभी भी मर्यादा रेखा को कभी हमें पार नहीं करनी चाहिए। और ये जो जीवा कहे ना, कभी भी उल्टा पुल्टा काम में जीवा को नहीं चलानी चाहिए। देखना फिर हमारे घर में भी ये महाभारत हमारी घर में भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आती है, जिस समय श्री परीक्षित महाराज, अभी किसकी गर्भ में, उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित महाराज है। महाभारत युद्ध जब खत्म हो गया, इतने में अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया, बोले ये पांडव का वंश को मैं निर्वंस कर दूंगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया, किसको ऊपर में, पंच पांडवों के ऊपर पांच ब्रह्मास्त्र। और उन्होंने देखा अंतिम इनका धरोहर रूप में उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा है, अगर इसको मैं मार दूं ना बस खत्म हो जाएगा। इतने में उत्तरा भागते भागते आई कृष्ण के पास में, और त्राही माम करते करते कृष्ण के शरण में आ गए। बोले प्रभु मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन ये पांडवों का धरोहर रूप में जो मेरे पेट में जो पलरा है, अगर ये बच्चा अगर मर गया तो पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। कितना जाके राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जगह बैरी हुई। कृष्ण की शरण में आ गए। इतने में कृष्ण गर्भ में प्रवेश किया, गर्भ में प्रवेश करते हुए गदा को घुमा घुमा करके सारे ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया। निस्तेज करके जब निस्तेज की, जब परीक्षित महाराज जन्म लिया, चूंकि उन्होंने गर्भ में कृष्ण दर्शन की, उन्होंने सबको परीक्षा कर रही थी। बोले गर्भ में जो काले काले जो मुरली वाले को मैंने देखा है वो प्रभु कहाँ है, इसलिए सबको परीक्षा कर रहे थे। इसलिए इनका नाम हो गया परीक्षित नाम हो गया। बोले श्री परीक्षित महाराज की। इसलिए ग्रंथ का जो श्रोता है कौन, परीक्षित महाराज, जो मातृ गर्भ में कृष्ण दर्शन की, जो भगवान की गोद में लालन पालन हुई है। कहते भैया भागवत ग्रंथ का श्रोता तो परीक्षित, बोले भैया वक्ता कौन, बोले भैया वक्ता भी साधारण व्यक्ति नहीं, ये सुखदेव गोस्वामी वक्ता। जिस समय श्री व्यास देव जी ने बोले भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहित अमले अपस्यम पुरुषंग पूर्णं माया च तत अपाश्रयम्। जब व्यासदेव भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ हुए, संपूर्ण गोलोक वृंदावन को दर्शन किया, तब तो हमारे टीकाकार कहते हैं बोले संपूर्ण गोलोक वृंदावन माने की उदाहरण दिया, अगर कोई बोले हमने चंद्रमा को देखे, क्या क्या बोले चंद्रमा दर्शन होता है, उसको साथ में चंद्रमा का मंडल भी दर्शन होता है, आकाश के तारा भी दर्शन होता है, पूरा आकाश को दिखता है ना। कहते उसी तरह कहते अपस्यम पुरुषम पूर्णम, तब उन्होंने पूर्ण पुरुष को दर्शन किया। बोले पूर्ण पुरुष कौन है, बोले भगवान श्री कृष्ण। बोले कृष्ण क्या अकेले पूर्ण, बोले नहीं, कृष्ण अकेले तो बड़े सुंदर दिखते हैं, लेकिन उनको पास में जो राधा रानी खड़ी होती है ना, कृष्ण की है, कृष्ण की जो सुंदरता में चार चांद लग जाती है, चार चांद। अगर उनको पास में अगल बगल में अष्ट सखियां
अष्टमंजरी जब होती है उसमें और भी चार चांद लग जाती है, जब सखाओं को साथ में, ग्वाल वालों को साथ में, फिर तो कृष्ण की जय जयकार है। इसलिए अपश्यम पुरुषम पूर्ण मतलब है संपूर्ण कृष्ण लीला को उन्होंने दर्शन किया, जैसे टीवी में जैसे सीरियल दर्शन करते हैं। और उन्होंने क्या किया, उनकी जो माया है वो लज्जित होकर के पीछे खड़े हुई। बोले क्यों, बोले जब कोई जीव भगवान को भूल करके ये माया को भोग करना चाहते हैं, माया क्या करती हैं, उसको ऊपर में दो आवरण चढ़ा देती हैं, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर हैं, एक है उसकी आवरण आत्मिक, एक विक्षेप आत्मिक, एक मन बुद्धि अहंकार चित्त, जो शरीर हमें नहीं दिखता है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हमें मन नहीं दिखता है, बुद्धि नहीं देखती है, लेकिन ये आत्मा को ऊपर में आवरण किया हुआ। विक्षेप मतलब है ये जो ऊपर का शरीर दिख रहा है, ये दो कवर माया चढ़ा करके क्या करती हैं, इतने जोर से फेंकती हैं जीव को। जीव जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना, किसी व्यक्ति को पूछो तुम कौन हो, उदाहरण देते हैं जब किसको पर भूत लगता है, देखे हो भूत लगते हुए, जब किसको पर भूत का सवार होता है देखना, वो व्यक्ति को पूछो अपना परिचय नहीं देगा, बोले मैं अमुक जगह में रहता था, वो केस खोल कर जा रही थी, मैंने पकड़ ली, मेरा घर वहां पर, देखना भूत अपना परिचय देता है। इसलिए अभी हम जितने परिचय देते ना, सब भूत का परिचय दे रहे, हमारे ऊपर में भूत का सवार हुआ पड़ा हुआ है। किसको पूछो तेरा नाम क्या, बोले ये नाम, बोले पत्नी, बोले ये, बोले पिता माता, बोले ये, बोले बोले बच्चे ये, बोले घर ये, ये सारे भूत का परिचय है। लेकिन ये हमारी परिचय नहीं है, हमारी एक ही परिचय है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, केवल एक ही परिचय हम भगवान के नित्य दास है। इसलिए उन्होंने सब कुछ दर्शन करते हुए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ बनाए। बोले भैया ग्रंथ तो बड़े सुंदर बनाए, लेकिन ये ग्रंथ पढ़ाए किसको, लेकिन व्यास सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने जन्म लिए, इसलिए कहते हैं ना, बोले जम प्रवजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विमेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि। जब श्री सुखदेव गोस्वामी मातृगर्भ में 16 साल तक थे, निकलना नहीं जा रहे थे, जब व्यास देव जी ने कहा भैया मैया को क्यों इतना कष्ट दे रहे हो, निकल करके आ जा, बोले प्रभु ये माया की संसार है। मातृगर्भ में जब 7 महीना हो जाए बच्चों को बड़ा कष्ट होता है, हजार हजार जन्म की पाप का कर्म फल याद आता है, बोले प्रभु ये नरक से हमें निकाल दो। भगवान कहते बताओ क्या करोगे, बोले अगर एक बार जन्म दे दोगे ना, हम कसम खाते हैं कभी ये माया के संसार में फंसेंगे नहीं। इधर देखो, कहते कभी माया के संसार में नहीं फंसेंगे, हम यही कसम खाए। भगवान ने बोले भैया कष्ट दुख कष्ट पा करके बोलते हो भजन करूंगा, ऐसे नहीं जन्म दे दूंगा फिर भूल तो नहीं जाओगे, बोले प्रभु कभी नहीं भूलूंगा, उठते बैठते तेरा भजन करूंगा। भगवान कहते देखो जब भूल जाओगे ना, बीच बीच में तेरे को वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे, बोले जब एक बाल पक जाए समझना बेल पड़ गया। आप लोग ध्यान लगा कर देखना बाल कब कहाँ से पकता है, देना यहीं से कान में पहला बेल दे दिया तो भगवान से क्या बोल करके आया था, आए थे हरि भजन को ओटन में लगे के पास, यही बोल करके आया था ना, भजन करोगे ना, कितना समय टीवी देख रहे हो, कितना समय स्मार्टफोन में लगे हुए हो, कितना सारे यार दोस्त में कितना समय लगा रहे हो, बेल बढ़ गई कान में, बाल पक गया, देखना जब एक बाल देखते ना पक गया उखाड़ देते, बोले इतना जल्दी बुढ़ा बुढ़ी बना रहे हो, हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर देखना दूसरा बाल पकता है उसको देखकर फिर उखाड़ देती हैं, जब फिर खिचड़ी बन जाती ना फिर मेहंदी लगा कर कलर कर देते हैं, उसका वार्निंग को हम नहीं सुनते हैं। अरे भगवान कहते तेरे को दूसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले आंख में चश्मा लग जाएगी, आंख में कमजोरी हो जाएगी, फिर बढ़िया गगलेस पहनकर हीरो बनकर घूमते हैं। भगवान कहते तीसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, जब खिलखिला कर हंस रहे हो ना एक एक करके दांत तोड़ना तेरा शुरू कर दूंगा, एक एक दांत टूटना शुरू होगा, फिर डेंटिस्ट के पास में जा करके 32 दांत लगा करके खिलखिला कर हंसते, बोले कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर फोर्थ वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले तीन दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगा, मतलब क्या, डंडा लेकर के चलना शुरू करोगे, बोले फिर फिफ्थ वार्निंग नहीं, राम नाम
बोले राम नाम, राम नाम सत्य कर दूंगा। अब देख लेना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उसको चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, देखे होंगे ना, चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, हाथ पैर को तो बांध देते हैं, लेकिन इस सर को पास में के तकिया रख लेते हैं, देखे कि नहीं। और चार व्यक्ति जब ले जाते हैं, कहते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। किसको बोलते हैं? और जो ऊपर लेटा हुआ, बोले भैया जितने तुम राम और कृष्ण का नाम लिया है, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, सब कोई बात झूठा, मतलब इसके सिवाय तुमने दुनिया में जितने इकट्ठे कर रखी हो, एक सुई धागा भी तेरे साथ यहां से नहीं जा रही है। जिस पत्नी को तुमने साथ फेरा लगा कर शादी की, वो रो रो कर दरवाजे तक जाएगी। जिनको परिवार बनाया, वो शमशान तक जाएंगे, खोपड़ी में घी भर करके ना, खोपड़ी फोड़ करके टाटा करके वापस आ जाएंगे। आगे कुछ भी जाने वाले नहीं, आगे क्या जाएगा? पायो जी मैंने राम रतन धन, उसको सुनाते हैं, बोले भैया जिंदगी भर तो भजन नहीं किया, अभी तो राम नाम कृष्ण कृष्ण बोल दे। अब ध्यान देकर देखना, सर तो तकिया के ऊपर रहता है, चार व्यक्ति ले जाते हिलता है, लेकिन देखना इसको बोलते राम नाम सत्य है, मतलब राम का नाम तो अभी ले, लेकिन इसको देखना सर ऐसे ऐसे करता है, बोले नहीं अभी भी मैं नहीं करूंगा, अभी भी नहीं करूंगा, बोले अभी भी तो हरिनाम नहीं करोगे, मर गया तभी हरिनाम नहीं करोगे, बोले चलो तेरे को दिखाते हैं, बोले क्या करोगे, फिर चिता से जाते हैं, बोले भैया अभी तो राम का नाम ले, बोले नहीं, फिर बेटा क्या करता है, मुंह में अग्नि देता है, मुखाग्नि देता है ना, क्यों जानते हो, मुखाग्नि मुंह में आग क्यों देता है अब पता है, बोले जो मुंह ठाकुर जी तेरे को नाम करने के लिए दिया था, दुनिया भर की बात तो मेरे वजह से टंटर टंटर किया है, हरि का नाम तुमने नहीं लिया इसलिए तेरे मुंह में आग है, लेकिन हमारी वैष्णव जगत में मुंह में आग नहीं, चरण में आग देते हैं। बोले क्यों? अग्नि देवता है, बोले जिसने ये जीवन पा करके जीवन भर प्रभु की भजन किया, हरि का नाम किया, अग्नि देवता है उसका चरण में देते हैं, मतलब अग्नि भी तुम्हारी चरण की पूजा कर रहा है। बोले अग्नि भी तुम्हारी चरण की पूजा कर रहे हैं, इसलिए भैया मातृगर्भ में कसम खा करके आए तेरे भजन करूंगा, इसलिए जीवन पाए हो, जीवन को ऐसे गमानी नहीं चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब जन्म लेकर के अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, जंगल में जा रहे थे और व्यास देव हा पुत्र करते करते जा रहे थे, वो जंगल में चले गए। अभी व्यास देव सोच रहे हैं ग्रंथ तो इतना बढ़िया बनाया, लेकिन ये पढ़ाए किसको, लेकिन जिसके लिए हमने बनाया तो वो तो चला गया, अब इसको वापस कैसे लाए। इसलिए व्यास देव का चार चले थे, चेलों को बोले देखो चलो मेरा एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, वापस ला सकते हो? बोले गुरुजी जंगल में बहुत सारे तोते, हमें क्या पता तुम्हारे तोता कौन है? बोले मेरे तोता को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुम चारों को चार श्लोक सिखा दूंगा मंत्र, ये मंत्र सुन करके जो पकड़ में आएगा ना, समझना ये मेरे तोता है। पहला चेले को पहला श्लोक सिखा दिए, बोले बरहा पिड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारं विप्रत वास कनक कपिसयं वैजयन्ति च मालां रन्ध्रान भेनुरधर सुधया पुरयान गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशस्तात गीत कीर्ति। ये जो श्लोक है ना, इसमें कृष्ण कितने सुंदर कहता है, कृष्ण की सुंदरता को वर्णना की गई है, इसलिए कहते हैं ना, बांके बिहारी की देखे छटा मेरो मन है गयो लटापटा, बांके बिहारी की देखे छटा मेरो मन है गयो I'm not going to be able to do that.
वो भगवान को निराकार निराकार मानने वाले थे, लेकिन भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, जिनकी सुंदरता को सुन करके सुखदेव गोस्वामी रह नहीं सके, वो निकल करके आ गए। बोले भैया ये श्लोक तुमको मिला कहाँ से? बोले हमारी गुरुजी ने बोले कहीं एक तोता उड़ते हुए चला गया, उसको पकड़ करके ला दो। बोले ये मंत्र सुन करके जो पकड़ में आ जाए समझना मेरे तोता। बोले भैया मैं वही तोता हूँ, मैं वही तोता हूँ। बोले देखो वो देखने में तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन वो रहते हैं कहाँ पर बताओ? उनका जो दूसरा चेला था ना, दूसरा श्लोक को बोल दिया। बोले जयति ते धिका जन्मना रहते हैं वृंदावन में रहते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भैया उसका परिवार कैसे है? तीसरा शिष्य ने तीसरा श्लोक को बोल दिया। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहते उसका परिवार बड़े सुंदर परिवार है, हैं? देखो ध्यान देकर देखो, एक चीज को अच्छे तरह से समझ लो, दिमाग में बैठाओ। यहाँ प्रश्न होता है, भैया हमारे भारत में तो 33 करोड़ देवा देवी है, हैं? इतने सारे देवा देवी है। अभी प्रश्न होता है हम ये कृष्ण भक्ति क्यों करें, और किसका भक्ति तो कर सकते हैं। ध्यान लगा कर देखो, अच्छे तरह से सुनो ये चीज को। कहते हम ये कृष्ण भक्ति को क्यों करे, दूसरे देश को भक्ति क्यों नहीं करे? एक उदाहरण देकर समझाए। जैसे आप अपना बेटी को शादी करवाना चाहते हो, अगर आपने बार देखोगे, भले ही कुछ पहले मत देखो, सबसे पहले देखो उसको पर्सनालिटी कैसे है, वो देखने में कैसे, पहले यही देखते हैं ना। बोले भैया इसका पर्सनालिटी बड़ा सुंदर है, देखने में तो बड़ा सुंदर, आप बताओ बांके बिहारी जैसे सुंदर कोई है? इसलिए इनका नाम सिर्फ मदन मोहन है। क्यों? जिसने मदन को काम देव को जिसने मोहित किया भगवान से कृष्ण चंद्र है। हाँ, जिनकी सुंदरता में लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ करके तपस्या कर रही है बेलवन में। कृष्ण इतने सुंदर हमारे हैं, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते खबरदार वृंदावन में मत जाओ, अगर चले गए ना कभी भी वो कृष्ण को दर्शन नहीं करना, गोविंद देव को दर्शन नहीं करना। बोले क्यों? बोले एक बार अगर उसको दर्शन करोगे ना, सारा दुनिया को देखना भूल जाओगे, फिर सारा दुनिया के देखना भूल जाओगे, फिर राधे राधे बोल और वृंदावन में, फिर तो पागली नहीं होकर के उसका प्रेम में ना पागली नगर डोलते रहोगे वहां पर। है रूप गोस्वामी सबको सावधान कर देते हैं। कहते वो रूप को देख कर कोई संसार में वापस नहीं आते हैं। कहते उसका जो सर पर मयूर मुकुट है ना, खबरदार उसमें नजर जानी नहीं चाहिए, उसको ऊपर नजर नहीं पड़नी चाहिए। इतने सुंदर बांके बिहारी, पहले देखोगे लड़का कैसे? बोले भैया कन्या तो बड़े सुंदर है। फिर दूसरी चीज पूछोगे, भैया कृष्ण तो देखने में बड़े सुंदर हैं, जैसे बेटी को शादी करोगे, दूसरा नंबर देखोगे वो लड़का कुछ काम धाम करता कि नहीं, कुछ रोजगार है कि नहीं, देखोगे कि नहीं? ऐसे नहीं बेटी को दोगे तो बेटी भूखी मर जाएगी, हैं? सबसे पहले तो क्या देखोगे उसको कोई काम धाम करता कि नहीं? रहते कहाँ पर? बोले वृंदावन में। बोले वृंदावन कैसे हैं? बोले चिंतामणि वृक्ष कल्प वृक्ष पानी अमृत है। कहीं चलता है ना लगता है कोई नृत्य कर रहा है, कोई बोलता है तो लगता है कोई सुंदर भजन गा रहे हैं, हैं? इसलिए लक्ष्मी भी जिनकी चरण की सेवा करती है। अगर वहां शादी लोगे ना, भैया तुम्हारी बेटी राजा की हाल में रहेगी, राजरानी बन करके। दूसरे चीज पर तीसरे चीज क्या देखते हो? उसका परिवार कैसे है, उसकी परिवार कैसे है, उसका सास कैसे, ससुर कैसे, ननद कैसे, उसकी जेठ कैसे। ऐसे नहीं पूरा परिवार इतने लड़ाकू है, बेटी जाएगी तो अगर पूरा परिवार लड़ेगा तो बेटी रहेगी, घर बार छोड़कर वापस आ जाएगी।
बोले इसको पिताजी का नाम क्या? बोले नंद। बोले नंद मतलब क्या? जो सबको आनंद देता है। कहते उसकी माँ का नाम क्या? बोले जसोदा, मतलब सबको जो जस देने वाली। बोले भैया का, उसको जेठ का नाम क्या? बोले दाऊ दयाल। दाऊ दाऊ दयाल, बड़े दयालु है बड़े प्रभु। बोले भैया परिवार तो बड़ा सुंदर है, लड़का देखने में सुंदर, खूब पैसा, परिवार अच्छा है, बच्चों को बेच मत करो। इसलिए फिर सबसे जो कीमती चीज है उसका नेचर कैसे है, ध्यान देख रहे सुनो। घर में पैसा है, सुंदर है, सब कुछ, लेकिन दिन भर माल पीकर पड़ा रहता है, बात बात पर पिटाई करता है, बड़ा क्रोधी है। फिर बेटी को शादी दोगे? बोले भैया तेरे पैसा तेरे पास भी रहे, जरूरत नहीं बेटी की देने का। इसलिए चौथा प्रश्न किया, उसका गुण कैसे, उसका नेचर कैसे है। जो चतुर्थ चेला था ना, उनने चौथा श्लोक को पढ़ दिया, बोले अहो बकियम स्तन कालकूटम जिज्ञासया अपि असाधि लेभे गतिम धातु चितम गतोन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। बोले भैया कन्या जैसे दयालु जगत में कोई नहीं, पुतना आई थी स्तन में कालकूट बीस लेकर के, बच्चों को खून पीने वाली राक्षसी, सारे अपगुण उसको अंदर में, लेकिन हमारे ठाकुर ऐसे है ना। बोले गुण अवगुण प्रभु देखो ना काम, ठाकुर जी तो किसके ऊपर में अवगुण का पति नजर नहीं रहता है, केवल उसने नाटक केवल की थी, इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झूला कर रखनी चाहिए, उसको तो गोद में लेकर के प्रेम करनी चाहिए, कृष्ण को प्यार करनी चाहिए, इतने केवल नाटक रचाई, भगवान कहाँ पर स्थान दे दिया? बोले गोलोक वृंदावन में, धाई मैया के स्थान गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी दे दिए। इतना जब सुखदेव गोस्वामी सुने पागल हो गए, फिर हाथ उठा करके बोले कम बा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे श्री गोविंद देव को छोड़ करके, श्री रमण बिहारी को छोड़ करके और किसी को भी जीवन में भजन नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। केवल देखो और चीज, दूसरे चीज देखो, जैसे तुम दूसरे दूसरे देवादेव को पूजा कर रहे हो, अगर तुम्हारी पूजा में थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, लेने का देना पड़ जाएगा, एकदम उल्टा रख झट उल्टा रिएक्शन होगा। लेकिन कृष्ण भक्ति में कभी उल्टा रिएक्शन नहीं है, है क्योंकि वो हमारी माँ है। जैसे कोई बच्चा अगर माँ की गोद में टाटी पेशाब कर दे, मैया साफ करती ना बच्चे को फेंक देती है, अरे बताओ बच्चे को साफ करती ना बच्चे को फेंक देती है, साफ करती है। कृष्ण हमारी त्वमेव माता च पिता त्वमेव कृष्ण है। अगर हमारी भजन में कुछ उल्टा पुल्टा होना, कहते भाव ग्राही जनार्दन, भगवान केवल भाव देखते हैं और कोई चीज को नहीं देखते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आए, उनको पूरी भागवत कथा उन्होंने पूरी उन्होंने भागवत कथा सुनाए। यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज को जब राज्याभिषेक करके चले गए पंच पांडव ने कृष्ण जाने का बाद, इतने में एक दिन परीक्षित महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे, चतुरंगिणी सन्नी को लेकर गए, एक आश्चर्य जिनिस देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है, एक बैल का तीन पैर नहीं एक पैर में खड़ा हुआ, और एक पैर को तोड़ने के लिए एक शूद्र राजा डंडा मार मार कर तोड़ रहा है। बड़ा क्रोध आया, मयान से तलवार निकल कर झपट पड़े। बोले तू है कौन? बोले ये कली। बोले ये गैया कौन? बोले पृथ्वी। बोले क्यों रो रही है? बोले कलियुग आएगा, कृष्ण चले गए, लोग पाप कर्म करेंगे, कैसे सहन करूं? बोले ये तीन पैर नहीं ये कौन? बोले धर्म। बोले तीन पैर गया कहाँ? बोले तीन युग बीत गया, धर्म का चार चरण तीन चरण खत्म है, धर्म एक चरण में खत्म। बोले तुम कौन? बोले कली। बोले क्या कर रहे हो? बोले धर्म कर्म रहने नहीं दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। परीक्षित महाराज बोले जब तक मैं हूँ तेरा कोई अधिकार नहीं, निकल जाए यहाँ से, मैं तो जान से खत्म कर दूंगा। बोले कहाँ जाऊं? सर्वत्र पृथ्वी में अभी आपका अधिकार, सबको स्थान दिया, मेरे को भी स्थान दो। परीक्षित महाराज ने देखा कलोर्ध राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तम बद्ध परम प्रजित। देखो ध्यान देखो सुनो, ये कलयुग में जो लोग गले में कंठी तिलक पहने आप लोग कितने भाग्यवान, ये चीज को अच्छे तरह से समझो। ये परीक्षित महाराज कली को क्यों स्थान दिया? उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा है ये जो कलयुग है साधारण युग नहीं,
कलि युग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते, क्योंकि कली है। देखना भाई भाई में लड़ाइयाँ, भोग भोग में लड़ाई, देश देश में लड़ाई तो लग रहा है, पड़ोसी में लड़ाई, ऑफिस में लड़ाई, कहाँ लड़ाई नहीं बताओ। सारा दुनिया में कलह छोड़कर कुछ है ही नहीं, इसलिए कलि युग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। लेकिन ये जो कली, जिस कलि युग में हम लोग आए ना, स्वर्ग के देवता लोग भी कलि युग में जन्म लेना चाहते हैं। यहाँ तक भी सत्य लोग का जो त्रेता युग को कहते हैं राम राज्य, द्वापर युग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म कृष्ण आए हैं, लेकिन ये सारे युग का लोग कलि युग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में ये सब के सब अभिषिक्त होकर के सब के सब भजन करना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले कारण है, ये सत्य त्रेता द्वापर युग में कठोर साधन करके जो वस्तु को प्राप्त करते थे, कलि युग में केवल थोड़ी सी हरिनाम कीर्तन के द्वारा महाप्रभु का चरण को आश्रय ग्रहण करते हुए अगर थोड़ी कोई हरिनाम कीर्तन करेगा ना, कहते जो सत्य त्रेता द्वापर युग में जो फल मिलता था उससे भी श्रेष्ठ फल प्राप्ति होगी। कलि युग में जो महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त होकर के जो कलि युग में भजन करेगा, ये कलि युग की इतने महिमा ये कलि युग की है। इसलिए आप लोग जो गले में कंठी तिलक पहने ना, आप साधारण नहीं, भागवत कहता है ये सारे देवता सत्य त्रेता युग का लोग जन्म हुए हैं कलि युग में महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त होकर के भजन करने के लिए। क्योंकि जो प्रेम को ब्रह्मा जी कठोर तपस्या किए पाने के लिए, उद्धव जी घास भूसा बनना चाहते हैं, लक्ष्मी भी तपस्या कर रही है, अभी तक भी तपस्या कर रही है, जो चीज को पाने के लिए इतने कठोर तपस्या करती हैं, कलि युग में केवल हरिनाम संकीर्तन से ही वही फल हमको प्राप्त हो जाएगी, वही फल हमें प्राप्ति होगी। इसलिए उन्होंने कलि युग को स्थान दे दिया। अभी ध्यान देकर देखो कलि का स्थान कहाँ पर दिया है। कहते अगर कलि युग में दवा भगवान का नाम सबसे मीठी दवा है, लेकिन दवा तो बड़ी मीठी, लेकिन परहेज को साथ में दवा लगे दवा तो काम करेगा। कहते नाम तो भगवान की मीठी दवा, नियम अभी ध्यान देकर सुनो, चार नियम का पालन करना पड़ेगा। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए, पाप का पहला स्थान। इसलिए युधिष्ठिर महाराज बोले देखो मैं धर्मराज होकर के जुआ खेला, राज्य गया, भाई गए, पत्नी की भरी सभा में विवस्त्र देखना पड़ा, 12 साल तक जंगल में रहे और 1 साल विराट राज्य में हमें नौकरी करना पड़ा। और धर्मराज को सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी को बिहरला बनना पड़ गया, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी को रोसैया बनना पड़ा। खबरदार कभी जुए में हाथ मत लगाया करो, धर्म का पहला चरण सत्य इसमें खत्म हो जाएगा। दूसरा पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लो, हैं पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए, शराब भी नहीं पीनी चाहिए। संत लोग कहते हैं जो शराब पीते हैं ना उसको 3 लाभ है, कितना लाभ है बोलो जोर से भैया, 3 लाभ क्या है? बोले पहला लाभ है वो बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले बूढ़ा नहीं बनेगा मतलब बोले जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा बनेगा, वो तो पी पा करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे से माला लेने के लिए आए, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा इसका पिताजी कहाँ गए? बोले मर गया। बोले कैसे? बोले पीते थे, पी पी करके दोनों लीवर ही खराब हो गया था, बचने का कोई संभाल नहीं था। इसलिए भैया खबरदार ये सब चीज से। दूसरे लाभ घर में चोरी नहीं होगा। बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो बेच बाज कर पी पा कर सब खत्म कर देगा, चोरी किस चीज की होगी। तीसरा लाभ कुत्ते दोस्त बने गए, कहीं पी पा करके मेन रोड में पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर घर में पेशाब कर जाएंगे। इसलिए ये सब चीज से दूर रहनी चाहिए, इसको कर लेने से भजन नहीं कर सकते हो। तीसरा नंबर स्त्रियों, बोले स्त्रियों के ऊपर में कलि का निवास। बोले कौन सा स्त्रियों के ऊपर में? बोले जो अवैध रूप में स्त्री जो पुरुष और जो पुरुष स्त्रियों से मिलते हैं, संसार करो, शादी होकर के पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थ निभाओ, बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर घूम रहे हो। शास्त्र एकदम ये चीज का स्वीकार नहीं किया, इसको बहुत बुराई किया है। पंचम स्कंध में तो इतने कठिन दंड उनके लिए बताया, कठिन दंड बताया। संसार करो अच्छी बात है, शादी करके धर्म पूर्वक अपना धर्म को निभाते हुए संसार करो, यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाएगी। तीसरे चीज जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज और लहसुन ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। मांस मतलब क्या है? मांग संग, मांग मतलब मुझको, स मतलब वह, अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में तो तुमको खाएगा, इसलिए इसको कहते मीट।
मीट मतलब क्या, मी ईट, उल्टा दो ईट मी, मतलब जिसको तुम खा रहे हो बाद में तुमको जो खाएगा। इसलिए जीव हिंसा को सबसे बड़ा पाप बताया गया, जीव हिंसा को। इसलिए सब चीज को छोड़ करके शुद्ध रूप में भजन करनी चाहिए। लेकिन ये कली तभी घुस नहीं, बोले कहाँ कहाँ मैं ढूंढते फिरूं, ऐसे एक जगह पर दो जहाँ पर सारे चीज मिलेगा। तब उन्होंने सुवर्ण में स्थान दिया, सोने में स्थान दे दिया। अब देखना जितने सारे पाप है ना कहाँ पर होता है, जहाँ जितने ज्यादा पैसा देखोगे वहीं पर वेश्यासंग, वहीं पर जुआ, वहीं पर मांस मदिरा, सारे पाप कर्म वही है जहां पर ये ज्यादा पैसा है। पर प्रश्न आता है भैया पैसा भी कैसे हो गया, पैसा तो लक्ष्मी है। अच्छा तरह से समझो, पैसा तो लक्ष्मी है, फिर ये लक्ष्मी में कैसे यह धर्म आ गया। कहते लक्ष्मी की दो वाहन है, कितने वाहन है जोर से बोलो, एक है उल्लू और एक है गरुड़। अब ध्यान लगा करके देखना, जो उल्लू है लक्ष्मी के ऊपर में अकेली बैठी हुई रहती है, पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। पैसा होगा तो नारायण की सेवा होगी, पैसा के बगैर कुछ भी नहीं। लेकिन पैसा को अगर अपना भोग के लिए बुला, माँ लक्ष्मी घर में आओ क्यों तेरे को भोग करेगी, लक्ष्मी बोली कि तू मेरे को भोग करोगे, मैं नारायण की हूँ तुम्हारी है नहीं, मैं तो नारायण की, मेरे को भोग करने के लिए बुला रहे हो। वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आएगा और हमें उल्लू के पट्टा बनाएगी, हमें उल्लू बनाएगी, हमें तो उल्लू बना करके जाएगी। हाँ लक्ष्मी के डाक बुलाओ, क्योंकि लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में लगेगी। अगर ठाकुर को सेवा के लिए बुलाओगे ना, वो उल्लू को पर बैठ नहीं, वो गरुड़ को पर बैठ करके आएगी। गरुड़ कहाँ रहता है, बोले वैकुंठ में, ठाकुर के दरबार में गरुड़ रहता है। अगर ठाकुर जी सेवा के लिए लक्ष्मी को बुलाओगे ना, वो उल्लू को पर नहीं गरुड़ को पर बैठ करके आएगी और हमारे घर को बोलो वृंदावन बना देगी, गोलक वृंदावन बना देगी। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाओ। अभी हमारे बीच में वन महाराज जी है, आज एकादशी है। महाराज जी आपको एकादशी के ऊपर में कुछ आपको अच्छी अच्छी बात बताएंगे, ये एकादशी की क्या महिमा है, एकादशी क्यों करनी चाहिए, एकादशी करने से क्या होता है, इसी को विषय पर बोलेंगे। अगर लास्ट में थोड़ा समय रहेगा तो ध्रुव चरित्र हम सुन लेंगे, कोशिश करें तो ध्रुव जी की कथा सुनाने के लिए लास्ट में, ठीक है। हाँ देखो कल है, महाराज को माइक दे, महाराज को माइक दे। हाँ देखो कल जो कल है कथा की चौथा देनी है, कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। बोले श्री कृष्ण का नया लाल की, हर जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण का नया लाल की, कल भगवान जन्म लेने वाले। जब मैया यशोदा गर्भ धारण की, ब्रज की जितने गोपियां थी ना, वो छः छः महीना पहले 84 गज के लहंगा और चुंदरी बड़े सुंदर अलंकार को बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा तो हम सबके सब बधाई देने के लिए जाएंगे। इसलिए कल आप लोग सब गोपी भाव से आना, क्योंकि ठाकुर जी भाव ग्राही जना देने हैं। कल सबके सब गोपी भाव से बढ़िया बढ़िया कोशिश करना। अगर पीले रंग के साड़ी सूट सलवार हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। पीले रंग के क्यों, कृष्ण का रंग कपड़ा पीला, राधा रानी की रंग भी पीला रंग है, इसलिए हो सकता पीला रंग की बढ़िया बढ़िया ऐसे नहीं ऐसे जैसे कपड़ा पहन करके आ जाए। शादी का जितने लहंगा चुनरी होगा ना, हाँ शादी का उसको निकालना, खराब हो रहा है घर में ट्रंक में, नहीं तो अलमारी में खराब हो रहा है, सबको निकालना, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके और भगवान के स्वागत करने के लिए, भगवान जन्म लेंगे ना, 33 करोड़ देवता आए हैं, स्वागत करने के लिए सबके सब बढ़िया कपड़ा पहन करके सज धज करके आना। और खाली हाथ से नहीं, जैसे किसी बच्चे का बर्थडे होता है क्या करते हैं, टफी लजेंड्स खिलौना लेकर के आते हैं ना। भगवान असली तो बच्चा भगवान कृष्ण ही हमारे, एक बार अगर उसको पुत्र रूप में प्राप्त करोगे तो कभी वो भगवान आपको छोड़ने वाले नहीं, चिरकाल के लिए आपके बेटा बन कर रहेंगे, हैं। इसलिए कल बड़े धूमधाम से बनाएंगे भगवान की जन्म उत्सव, ठीक है। हाँ महाराज बोल, महाराज हरे कृष्ण, क्या कर रहा है कोई भी, ए
इसका इसका स्विच स्विच ऑन कर, ठीक है। लाल की जय, जय गौरचंद्राय राधिकाय, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओम वृंदावई तुलसी देवई प्रियावई केशवश्च च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षेप्ताश्च कामादितरङ्गमात्रै कृपामयि त्वं शरणानुप्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते भजामि राधां सर्वेन्द्रनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां करुणावरद्रं ततो ममानस्ति गतिर्नता। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सही बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं व्यास मंचस्थ विराजमान परम पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु शत्रुवृंद सभियों के चरण कमलों में
मेरा यथाजथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रहस्य की बात है, हम लोग साक्षात गुरुपात्म की चरण कमल की सान्निध्य में बैठे हुए हैं और भगवान के अपार लीला कथाओं का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय दिवस है, काल चतुर्थ दिवस, काल कृष्ण की जन्म लीला कथा श्रवण करेंगे। महाराज जी ने बहुत सुंदर सरस रूप में कृष्ण की अनेक लीला कथा को जो है हमें श्रवण कराया। श्रीमद् भागवत में इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की सारी कथाएं सुनाए। 7 दिन जावत, 7 दिन और 7 रात विराम नहीं, श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहे। जिस सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कब तक कथा सुनाए, कितने समय तक कथा सुनाए, बोले 7 दिन और 7 रात पूरी उठे नहीं, गई कोई विश्राम नहीं है। जितने भी कथा बोलते जा रहे चलते जा रहे परीक्षित महाराज और उसी प्रकार बैठ गए। इसलिए शास्त्र में कहते हैं आश्चर्य से वक्ता कुशलस्य श्रोता, वक्ता भी उसी प्रकार होनी चाहिए और श्रोता भी उसी प्रकार होनी चाहिए। हम लोग 3 घंटा 2 घंटा बैठ करके फिर कितने बार करवट लेते हैं और फिर बार बार घड़ी देखते हैं ये महाराज कथा समाप्त कर दिया जाए, 3 घंटे हो गया। फिर बीच बीच में नाजनिक कितने सुंदर कीर्तन भी हो रहे हैं। हमारे देखो ब्रज से आए हैं हमारे डरीलाल जी, इतने सुंदर ब्रज की इनके महिमा क्या वर्णन करें। ब्रज एकेडमी है कि मुख्य जो है ये कीर्तनिया है। गुरुदेव के समय हम लोग देखा, जब जन्माष्टमी के समय रात्रि का हो रहा पूरा रात्रि कीर्तन हो रहे थे। ये हमारे डोरीलाल जी, इसके गुरुदेव ने दीक्षा नाम क्या दिया, दामोदर प्रभु की जय। इनके विशाल मंडली है, आकाशवाणी में भजन आता है, सब रेडियो बोलो इनका भजन। हाँ, आकाशवाणी है मथुरा सेंटर है। इस देखो विशेष कीर्तन है और उनके विशेष जो है मंडली भी है। इतने सुंदर सुंदर ब्रज की कीर्तन, कोई ऐसे सिनेमा की कीर्तन नहीं है। कहीं कहीं मैं किसी को निंदा नहीं करते हूँ, कोई कहीं तो कीर्तनियाँ आते हैं और इधर उधर के सिनेमा के इधर उधर कीर्तन कर देते हैं, लोगों को नचा देते हैं। किंतु देखो हमारे जो है दामोदर दामोदर प्रभु जो है हम लोग से बचपन से जानते हैं, हम तो मथुरा से जो है हमारे साथ में, हम लोग सब एक ही साथ में देखो इतने सुंदर कीर्तन करते हैं, कोई ऐसे अल्टू फालतू कीर्तन नहीं है। कौन सा कीर्तन, सब ब्रज संबंधित कीर्तन हो। और ऐसे नहीं है सिनेमा के आर्टिस्ट में गुरुदेव पसंद बिल्कुल नहीं करते थे, पर बहुत सुंदर सुंदर ब्रज के जितने भी आर्टिस्ट जो है सबको बुलाते थे और इतने सुंदर ब्रज रात भोर कीर्तन होता था। स्मरण हो रहे हैं इसलिए इनको देख करके ब्रज की उद्दीपना हो गया, कितने ब्रज की कथाएं और ब्रज की लीलाएं होती थी। आज विशेष करके एकादशी तिथि है, आप लोग ने अभी श्रवण किया, हमारे कितने इंद्रियां है, कितने इंद्रियां है, एकादश इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पाक पाद पानी पायु उपस्थ चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय, और एक इंद्रिय क्या है, मन। मन समस्त इंद्रियों के क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो जिन्होंने मन को वशीभूत कर लेते हैं वो सारी इंद्रियां को अपने आप वशीभूत कर लेते हैं। इसलिए एकादशी के तात्पर्य यही है, एकादश इंद्रियां को हम कैसे भगवान के सेवा में लगाए, भगवान के सेवा में हम लगाए। जैसे महाराज जी ने अभी बताया, जो एकादश इंद्रिय के मन में नहीं लगाते हैं वो मन कहाँ चले जाते हैं, नरक की तरफ ले जाते हैं। हमारे मन अच्छी तरफ की तरफ ले जाते हैं और नीचे की तरफ भी ले जाते हैं, नरक की तरफ भी ले जाते हैं।
इसलिए शास्त्र में कहा गया क्या करना चाहिए, मन को भगवान की तरफ लेकर। जैसे अम्बरीश महाराज श्रीमद् भागवत में नवम स्कंध में अम्बरीश महाराज की कथा प्रसंग है। स्वयं अम्बरीश महाराज अपने सारी इंद्रियों को जो है भगवत सेवा में लगाया। देखो इंद्रियों के कैसे सेवा में लगाना है। आज विशेष करके एकादशी तिथि है, एकादश इंद्रियों के लगाए जाए, क्योंकि एकादश जो इंद्रिय हमारे धीरे धीरे नरक की तरफ ले जाते हैं, किंतु यदि भगवान के नाम कृत कीर्तन आदि करें तो भगवान की तरफ ले जाएंगे। देखो हमारे आँख जो है ये आँख कहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर सुंदर रूप हो वहीं पर चले आते हैं, किंतु वो आँख की दृष्टि कहाँ पर लेकर के जाए, भगवान की तरफ है। पंचतंत्र तन्मात्र भी कहा गया चुप है, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, ये आँख कहाँ पर जाते, सुंदर रूप जहाँ पर है वहीं पर चले जाते हैं। सबसे सुंदर रूप किसका है, जैसे महाराज जी ने अभी बताया सबसे रूप गोविंद है। बोले जे जिस रूप के एक बार दर्शन करें और कहीं लगते नहीं, देखे ले नयन हेरे केह नहीं घी घरे फ्री फिरे गृही रो संग से जेबो है सर्वनाश है। बंधु संगे जदि तब रंग परिहास थके अभिलास थके अभिलास तबे मोर कथा रखो जयो न को मसूरा के शीत तो घाटे बसकास बंधु जदि तब रंग परिहास बंधु संगे जदि तब रंग परिहास। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बांग्ला कीर्तन में करें और संस्कृत में स्वरूपों के समीपार वर्णन कर लें, एक बार गोविंद के कई दर्शन कर लें, देखी ले नयन हेरे केह नहीं घरे फिरे, एक बार गोविंद के दर्शन कर लो बस है। और किसी वस्तु के देखने की इच्छा नहीं करें, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु के दर्शन हो जाए और वस्तु क्या दर्शन करना है। इसका देखी ले नयन हेरे केह नहीं घरे फिरे गृह संसारी जगह है सर्वनाश। इसका वृंदावन जाना है ना, पदकर्ता कह रहे हैं बोले वृंदावन जाना है, ज्यादा मत जाओ, कहाँ जाओ, बोले मुझे तो वृंदावन जाना ही है, है? आप लोग वृंदावन जाते हैं, कौन कौन वृंदावन जाते हैं, फर्स्ट संडे को वृंदावन जाते हैं, बोले क्या दर्शन करके आते हैं, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी दर्शन किया, फिर क्या किया, लस्सी पी लिया और फिर वापिस आ गया, हो गया बोला वृंदावन दर्शन किया। किंतु हमारे आचार्य बात करें, देखो एक बार गोविंद के दर्शन कर लें वो वापिस नहीं आएगा, इतने सुंदर कर रहे हैं। इसलिए हमारे अम्बरीश महाराज देखो अपने के करु हरि मंदिर मार्जुना दिशो अपने हाथ को क्या की भगवत सेवा में लगा, झाड़ू में लगा। ससागरा पृथ्वी के राजा होते हुए पर भी स्वयं ठाकुर जी के मंदिर है ना झाड़ू लगा, परु हरि मंदिर मार्जुना आदिशो है, उपने अपने चरण के किस में लगाया, बोले ठाकुर जी के मंदिर परिक्रमा तुलसी परिक्रमा में लगाया है। बहुत सुंदर वर्णन है, समय संक्षेप है, इसलिए कहते हैं परु हरि मंदिर मार्जुना आदिशो, ये जिहाब के किस में लगाओ, भगवत गुणानुकीर्तन में। जैसे महाराज जी अभी बताया ना, ये जिहा में हड्डी नहीं है, इसलिए लपलपाते लपलपाते हैं, किंतु इस जिहा को किस में लगाओ, भगवान गुण कीर्तन में है, भगवान की कथा में लगाओ है। जितने में हमारे इंद्रिय जो है मन किस में लगाओ, भगवान की लीला कथा स्मरण में। इसलिए अम्बरीश महाराज हमें शिक्षा देते हैं, ये एकादशी एकादश इंद्रिय एक भगवत सेवा में लगाया जाए। एकादशी करने से हमारे फल है, एक लौकिक भी फल मिलेगा है। देखो चंद्रमा की आकर्षण और विकर्षण से समुद्र के जल क्या होता है, बढ़ते हैं है? देखो आप समुद्र के तट पर बैठिए, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक
पर एकादशी लेकर के अमावस्या तक समुद्र के जल बढ़ते रहते हैं। हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ है उसमें अधिक पदार्थ क्या है? जल है। ये आकर्षण विकर्षण भी होता है। देखो जितने लोग शरीर छोड़ते हैं ना, हिसाब करके देखिए ये लोग कब छोड़ते हैं, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा और नहीं तो एकादशी लेकर के अमावस्या, जिसके विशेष करके वो ये रोग हो जाता है। क्या बोले? हाँ, वो कप काशी को जो होता है, हाँ, वो उनकी विशेष करके एकादशी से लेकर के पूर्णिमा और एकादशी के लेकर के अमावस्या तक उनके शरीर में इतने कफ बढ़ जाता है। क्या बोलते हैं उसको? कफ बढ़ जाता है, हैं? और मरना है तो उसमें ही मरना है, कि शरीर में उसमें। इसलिए एकादशी यदि पालन करें हमारे शरीर में लाभ लाभ ही है। क्यों लाभ होता है? नहीं, एकादशी में हम भोजन नहीं करेंगे, हैं? शास्त्र में लिखा गया निर्जला एकादशी करना चाहिए। कैसे एकादशी पालन करना? वो निर्जला, पानी तक पीना नहीं है। कोई कोई कहते हैं भाई ठीक है हम पानी नहीं पियेंगे, हम दूध पी लेते हैं, दूध है दूध। शास्त्र में क्या लिखा गया? निर्जला एकादशी, जल पीना नहीं है, हैं? तो हम पानी दूध पी लेते हैं, करते नहीं। किंतु देखो शास्त्र में आज कलियुग है, हैं? शरीर हमारे चलते नहीं है, पेट में बीमारी है, अल्सर हो गया किसी के, वो क्या करें? शरीर चलता नहीं है, इसलिए शास्त्र में कुछ कंसेशन दे दिया। बोले अच्छा ठीक है, निर्जला नहीं रखते हो, रख नहीं पाते हो, तो क्या करो, थोड़ा फलाहार कर लो, हैं? हल्का से थोड़ा पानी पी लो, गला सूख रहे हैं तो थोड़ा हल्का सा पानी पी लो, हैं? किंतु देखो एकादशी के दिन पांच प्रकार के अनाज सब खाना नहीं चाहिए, हैं? पांच प्रकार क्या क्या है? चावल है, गेहूं है, हैं? और दाल है, बजरा है, और एक रह गया सरसों। ये खाना नहीं चाहिए, शास्त्र में लिखा है। क्यों? एकादशी के दिन समस्त प्रकार के पाप के जो बीज है ये पांच सस्य में रहता है, माने और ना मन, है? किंतु शास्त्र में लिखा, इसलिए एकादशी के दिन किसी प्रकार से है ये पांच प्रकार के अनाज जिसका भोजन करना नहीं चाहिए, है? फलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, है? दही ले सकते हैं, और एक दिन कोई भी नहीं खाया वो मर नहीं जाए। और शास्त्र में कहा गया यदि एकादशी के दिन कोई सोरी छोड़े उसके वैकुंठ प्राप्ति होता है। बोला वृंदावन बिहारी लाल, यहाँ तक भी शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन किसी जान में अनजान में एकादशी के छोड़ देते हैं वो दूसरी जन्म में भी अगाध धन प्राप्त हो जाता है, है? राजा तक बन सकते हैं। इसके कथा मैं सुनाता हूँ, सुनो, है? ये महाराज सुनाते थे, है? ये शास्त्र में लिखा है। देखो रूपमांगद नाम से कोई एक राजा थे, हैं? प्राचीन काल में रूपमांगद नाम से एक राजा थे, हैं? उनकी धर्मपत्नी बहुत सेवा करती थी, और उनके एक बेटा था, बेटा के नाम था धर्मांगद, याद रखना। क्या नाम था? धर्मांगद। देखो संसार सुख में होता है यदि पति पत्नी पुत्र एक तन मन हो करके भगवत आराधना करे, एक रास्ता में चले, तो संसार सुखमय होता है कि नहीं होता है? नहीं, पति दूसरी रास्ते में चल रहे हैं और पत्नी दूसरी तरफ चल रही है और बेटा दूसरी तरफ चल रहे हैं, तो संसार क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। किंतु देखो रूपमांगद जो राजा थे, उनके धर्मपत्नी, उनके धर्मपत्नी बिल्कुल राजा के अनुगत के चलती थी, और उनके बेटा धर्मांगद राजा महाराजा जैसे बोलते, पिता जैसे बोलते हैं ऐसी चलते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है पिता धर्म पिता सर्ग पिता ही परमं तप पितरी प्रतिमा पण्य प्रियंते सर्वदेवता। पिता प्रसन्न हो जाए सब प्रसन्न हो जाए, देवतालु भी प्रसन्न हो जाते हैं, पिता धर्म स्वरूप है। देखो धर्मांगद राजा धर्म स्वरूप थे, और उनकी राज्य में समय पर सब कुछ होता था, समय पर बारिश होती थी, समय पर ठंडी गर्मी जो कुछ भी है नियम जो है आता था, और धन धान्य में राज्य भरा हुआ था, प्रजा लोग सुख से बहुत रह रहे थे,
यहाँ तक भी देखो वो राज्य रूस राज्य में चोरी डकैती नहीं होते थे, सबके घर में चावल धान आदि आटा आदि सब भरा हुआ है, सभी सब लोग सुख में रह रहे थे। एक दिन धर्मा एक दिन रूपांगद राजा देखो भ्रमण करते करते एक त्रिकालज्ञ ऋषि बालखिल्ल ऋषि के साथ मिले। देखो कोई संत महात्मा के साथ मिलते हैं तो उनके ये इच्छा जगते हैं भूत भविष्य जानने के लिए, है आते हैं ना, बोले महाराज मेरा हाथ देख करके बोल दो, है मेरा पूरा जन्म की कथा, इस जन्म की कथा और आने वाले की कथा क्या है बता दो, है भाई संत महात्मा के पास आ जाते। ठीक उसी प्रकार ये रूपांगद राजा बालखिल्ल ऋषि के निकट कहने लगे, ये महाराज ये बात बताइए मैं पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया ये जिसके फलस्वरूप मैं राजा बन गया। शास्त्र में लिखा गया है पुण्य पुत्र जो पुण्य करते हैं उसके पुत्र मिलता है, है? और भाग्य भर्जा, भर्जा माने पत्नी, और तपे राजा पूर्व जन्म में जो जैसे तपस्या आदि किया वो राजा बनते हैं। इसलिए वो कहने लगे महाराज आप मुझे बताइए मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म की जिसके फलस्वरूप मैंने राजा बना, और राजा तो राजा ही है कि सब प्रजा लोग मेरे अनुगत है, राजा राज्य सुखमय। देखो इस कथा के सुन करके वो बालखिल्ल ऋषि कहने बैठो त्रिकालज्ञ ऋषि थे, हैं भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले त्रिकालज्ञ ऋषि, और ध्यानस्थ होकर के बोले हे रूपांगद तुम पूरा जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, मूर्ख था तुम, हैं तुम मूर्ख था, दुष्ट दुराचारी थे तुम, हैं तुम एक वेश्या के साथ आसक्त हो गए, हैं कोई पुण्य कर्म नहीं किया, एक वेश्या के प्रति तुमने आसक्त हो गया, बस शराब पिया, ना जाने कितने कितने बुरी कर्म आदि किया। इस कथा के सुनकर के रूपांगद राजा की तो आंख ऐसे हो गए, तो राजा कैसे बन गया, तो बालखिल्ल ऋषि कहने लगे हे राजन सुनिए, वो एक दिन वो वेश्या के ही उनके बुखार चढ़ गया, इतने बुखार हो गया है, और वो वेश्या ने क्या की एकादशी के दिन शरीर छोड़ दिया, बोला वृंदावन बिहारी लाल की है, और आपने क्या की उनके प्रति आसक्ति होने के नाते आप उनकी चिंतन करने लगे, फिर दूसरी एकादशी में आप भी है कुछ खाया पिया ही नहीं, और आप भी एकादशी के दिन शरीर छोड़ दिया, देखो निर्जला एकादशी हो गया, अनजान में दोनों के क्या हो गया निर्जला एकादशी हो गया। अभी पांडवा निर्जला जी आ रहे हैं, हाँ अगले एकादशी पांडवा निर्जला एकादशी है, देखो अनजान में क्या हो गया एकादशी करना, और उसके फलस्वरूप वही जो है वेश्या तुम्हारे महारानी होकर जन्म लिया तुम्हारे पास, और आप स्वयं राजा बने। देखो इस कथा के सुन करके रूपांगद राजा आश्चर्य हो गए, ये अनजान में है देखो एकादशी व्रत कर लिया, और जिसके फलस्वरूप राजा बने, इतने धन संपत्ति इतने विशाल वैभव उनकी प्राप्ति हुई, इसलिए राजा के इतने विश्वास हो गया, वो राजा ने कह दी अपने राज्य में आकर के झेड़ा पिटाने लगे, हैं क्या बोले कि हमारे राज्य में जितने लोग हैं सभी लोग को क्या करना पड़ेगा एकादशी पालन करना पड़ेगा, हैं जो एकादशी पालन नहीं करेगा उसको राज्य से मैं निकाल दूंगा, यहां तक भी यदि पकड़ा जाए हैं चोरी से चावल खा लिया बा चोरी से है रोटी बार जो पांच प्रकार के सस्य एकादशी के दिन खा लिया यदि पकड़ा जाए उसको क्या की जाए प्राण दंड तक दिया जाएगा, है राज आदेश हो गया। देखो महाराज रूपांगद सारी तरफ घोषणा कर दी एकादशी करना पड़ेगा, है देखो राजा के आदेश होने के साथ ही साथ
समस्त प्रजा लोग एकादशी पालन करने लगे। और ठीक एकादशी के पहले दिन क्या है, दशमी तिथि है ना, दशमी तिथि के दिन राजा के लोग नगर नगर में गांव गांव में जा करके एक बजाते हैं ना, ढोलक बजाते हैं, झंडा बजाते रहते हैं, कहते देखो राजा के आदेश है काल एकादशी होगी, जो एकादशी पालन नहीं करेगा उसके राजा देश से निकाल देंगे, निर्वासन कर देंगे, अथवा पकड़े जाए उसको प्राण दंड तक दिया जाए है। इतने राज आदेश हो, सभी लोग डर से भय से जैसे भी हो है सब लोग एकादशी पालन करने लगे है। देखो ऐसे करते करते साल भर बीत गए। एक दिन राजा रुक्मांगद ने कहा कि जंगल में गए शिकार करने के लिए है। शिकार करके जंगल में गए, एक हिरण के पीछे दौड़ने लगे और हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते वो हिरण कहाँ भाग गया, अदृश्य हो गया। राजा जंगल में इधर उधर भटकने लगे कैसे लौट कर क्या, और गंभीर जंगल में चले गए। गंभीर जंगल में जब गए देखा क्या, एक स्थान पर एक सुंदर लड़की 16 साल की एक लड़की है, देखने में इतने सुंदर ही थी, उनके लंबी लंबी आँख बाल जो है मानो घुटनों तक नीचे था, घुटनों के नीचे था, शास्त्र में वर्णन है उसकी, इतने सुंदरी होती देखने में, इतने सुंदरी क्या बनेंगे, उनके शरीर के अंग छटा इतने चारी दिशा को मानो उजाला कर है। उसको देख करके राजा मोहित हो गया। राजा रुक्मांगद ने पूछा तुम कौन हो, क्यों रो रही है इधर, क्या बात हुई। वो लड़की कहने लगी देखो मेरे माता पिता मुझे घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, बोले मेरे कोई ग्रह दोष है, है मंगली को दोष होता है, सर्प दोष, क्या क्या दोष होता है सब है, और जो मुझे शादी करेगी वो मर जाएगी है, और इसलिए मेरा शादी भी नहीं है क्या करें, इसलिए मेरे माता पिता ने बोले तू मर जा, जा। इसलिए मैं जंगल में आई आत्महत्या करने के लिए। देखो रुक्मांगद राजा कहने लगे मैं राजा हूँ मेरे साथ शादी कर ना, मुझे कोई मृत्यु है ऐसे हो गए, आ जाओ मेरे साथ शादी। देखो रुक्मांगद राजा ने कहा कि उस सुंदरी के साथ वन में गांधर्वा मत से शादी कर ले। गांधर्वा मत जानते हैं, माला बदल कर लिया है, बस जंगल से फूल चुन लिया और करके बस माला बदल कर गई हो गया, गंधर्व मत से विवाह कर लिया। और विवाह करके वह सुंदरी महारानी और राजा दोनों नगर में प्रवेश करने लगे। उस समय देखो रुक्मांगद के जो बड़े पत्नी जो है, बड़ी पत्नी जो है यहाँ की धर्मांगद उनके पुत्र भी उनके स्वागत करने लगे है। अभी भी नई रानी आई है, उनके देखो स्वागत करने लगे सभी लोग है। महाराजा रुक्मांगद बहुत प्रशंसा करने लगे, देखने भी तो सुंदरी थी ना वो है, अल्प वयस भी है, ज़्यादा उम्र नहीं है, कितने साल थी वो 16 साल की है, बस देखने में इतने सुंदरी थी। और देखो ऐसे करते करते है दशमी के दिन आ गया, मैंने कहा ना दशमी के दिन आ गया, राजा के लोग ढंडा पीटने लगे काल एकादशी होगी, जो एकादशी पालन नहीं करेगा व करेगी उसको राजा देश से निकाल देंगे, यहां तक भी उसको प्राण दंड दिया जाएगा। देखो या अभी ये नई रानी आई है ना, इनके कान में पड़ी, बोले क्या करें, बोले एकादशी काल एकादशी करना पड़ेगा। देखो नई जो रानी आई है ना वो कह रहे एकादशी फेकादशी मैं नहीं करती, और एकादशी के दिन जो खाना नहीं है वो तो मैं वही खाऊंगी है, एकादशी के दिन जो खाना नहीं है वो खाऊंगी है, चावल दाल की बातें छोड़ दीजिए वो तो खाना ही है, एकादशी के दिन क्या खाना है, मछली भी खाएंगे, मांस भी खाएंगे, शराब भी पिएंगे। अरे एकादशी किसको करना है, ये तो जो लोग संत महात्मा है कोई काम का नहीं है, है? माला जप करते बैठ करके उनके लिए एकादशी करना चाहिए है, युवती लोगों के एकादशी करना नहीं है, बूढ़े जो हो गया उसके एकादशी करो वो तो काम का नहीं है, जल्दी जल्दी मर जाए। हम युवती है हम एकादशी थोड़ी करेंगे,
है, एकादशी करते शरीर कमजोरी हो जाए है। वो देखो नहीं, जो रानी है ना वो कहने लगे मैं एकादशी फेकासी नहीं करती, और एकादशी के दिन और भी गलत काम करें, जो नहीं खाना है वही खाए वही करे। देखो इस समाचार महाराज के पास गए, रूपांगत के पास। रूपांगत सुनकर के बोले नहीं महारानी एकादशी करने का, एकादशी नहीं करे तो संसार के लोग एकादशी, राजा के हमारे राज्य में लोग एकादशी नहीं करें है। सोरसों में भूत रहे है, जैसे महाराज जी कह रहे हैं ना भूत छोड़ा, भूत छोड़ाना कैसे होता है देखो, सोरसों चाहिए ना ब्लैक मच्छर सीट लेकर के आओ, उसमें मंत्र पुत करके भूत के ऊपर छुड़ाना पड़ता है मंत्र के। और अपने घर में यदि भूत रहे, यानी जिस सोरसों में भूत बैठा हुआ है वो भूत के कैसे भगाओगे आप बताओ, कैसे जाएगी वो। अर्थात कहने की तात्पर्य है, यदि महारानी यदि स्वयं यदि पालन नहीं करे तो प्रजा लोग क्या कहेंगे, हे महाराज अपने पत्नी को तो एकादशी नहीं कराती और हम लोग के लिए एकादशी है। इसलिए महाराज देखो नई जो अभी रानी आई है, है? बोले हे महारानी एकादशी, बोले एकादशी एकादशी नहीं करे। बहुत करके राजा मनाने लगे, ये देखो हे महारानी एकादशी करो, वो कहने मैं ही नहीं करती। बहुत समय के बाद वो रानी कहने लगी मैं एकादशी करूंगी, शर्त एक है। बोले क्या शर्त, ये देखो आपके जो पुत्र धर्मांगद जो है, इस धर्मांगद की राज्यसभा में लेकर के आओ है, और एक तरफ आपके प्रथम जो रानी और एक तरफ आप, दोनों तरफ खड़े हो जाइए है, और वो आरी लेकर के आइए और हंसते हुए अपने पुत्र धर्मांगद के सिर को ऐसे काटो, धीरे धीरे काटो है। यदि ऐसे कर सकते हैं तो मैं एकादशी को पालन करूं। देखो इस कथा के सुन करके धर्मांगद उनके पिता, उनके बेटा क्या बोले, पिताजी धर्मं धर्म रक्षसि, धर्म ही जो धर्म के रक्षा करते, पिताजी आप अपने धर्म में प्रतिष्ठित रहे, जो आप नियम बनाया उस नियम में आप स्थिर रहिए महाराज है। आप सभी को जो है एकादशी पालन कराइए, भले ही मेरा सिर कट जाए मैं मर जाऊं किंतु एकादशी सब पालन करें है। देखो उनके पत्नी भी कहने लगी, कौन पहली वाला जो पत्नी है अर्थात धर्मांगद की जे माता, कहने लगी हे राजन पतिदेव है, मैं वचन देती हूँ मैं भी एक तरफ खड़ी हो जाती हूँ और आरी लेकर के मैं खड़ी है। इस संसार में कोई है अपने बेटा बड़े ज्येष्ठ पुत्र धर्मांगद है, समस्त धर्म के अंग स्वरूप कहा जाए धर्मांगद है, और एक तरफ महाराज रूपांगद खड़े हुए और दूसरी तरफ पहली महारानी खड़ी हुई और आरी लेकर के खड़ी हुई। देखो इसको देखने के लिए समस्त देवता लोग भी उपस्थित हुए है, कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग साक्षात आगे देखने के लिए, ब्रह्मा जी शिव जी जितने भी देवता लोग सब आगे है, और जब खड़ा हो गया 1 2 3 है आरी चलाने धीरे धीरे से है। इतने समय स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, जब भगवान विष्णु प्रकट हुए है तब वही जो रानी जो है, नई रानी जो है वो दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगे हे राजन है मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं साक्षात माया देवी हूँ है, मैं साक्षात कौन है माया देवी, ये आपकी परीक्षा लेने के लिए मैं आई हूँ, ये आप किस प्रकार अपने धर्म के ऊपर प्रतिष्ठित होते हैं, एकादशी के जो है महत्व इसलिए दिखा रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में एकादशी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे करके वो मायादेवी वैसे अंतरहित हो गए है, क्यों जहां पर भगवान प्रकट होते हैं विष्णु प्रकट होते हैं है, मायादेवी वहां पर नहीं रहती है।
इस प्रकार दिखाया जगत में किसी भी परिस्थिति में एकादशी छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम एकादशी नहीं कर, एकादशी नहीं छोड़ा है, उठाए एकादशी, कोई कहते हैं गैरव एकादशी कर लेते हैं है, और एकादशी करके उस एकादशी के क्या करते हैं, उद्यापन करते हैं, किंतु शास्त्र के वचन नहीं है ये, केवल लोगों की मनगढ़ंत बात है। एकादशी छोड़ना नहीं चाहिए, कहते हैं एकादशी मेरा गले में अटक जाए। अरे शास्त्र में ऐसे विचार है एकादशी करने पर उसके पुण्य पुण्य ही है, सब कुछ मिल जाता है। एकादशी के इतने महत्व हैं, देखो कोई व्यक्ति है मरने वाला है, जैसे उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, देखो आप अपने जो एकादशी पालन किया उस एकादशी की सामान्य भाग यदि उसको अर्पण कर दे, उसके बहुत सारे पाप से मुक्त होकर के शरीर छोड़ दे। ऐसे बहुत उदाहरण है, हजारों उदाहरण है ऐसे। देखो एक कथा में कहकर समाप्त करता हूँ, हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ये कथा सुनाते थे, हमारे गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के एक शिष्य थे है? उसके नाम था वैखानस महाराज है? और राज परिवार में जन्म लिया था। बहुत ये जब ये वैष्णव इसमें नहीं प्रभुपाद के चरणाश्रय नहीं किया, वो ब्राह्मण थे, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे है? भाई ब्राह्मण क्या करते हैं, लोग घर में पूजा आदि पाठ आदि करते हैं, और देखने में बहुत विशाल शरीर उनके था है, वैखानस महाराज इतने विशाल शरीर था, देखने में सुंदर, राज परिवार परिवार में जन्म लिया था, बिल्कुल उनके जो है रंग कैसे हैं है? बिल्कुल गौर वर्ण थे, तप्त तो कांचन गौर वर्ण, ऊंचे शरीर, बहुत विशाल शरीर था वो है। देखो एक दिन क्या कि किसी जजमान के घर में है पूजा आदि पाठ, पूजा आदि करने के लिए गए, और पूजा पाठ करके तो उनको क्या मिला, अनेक प्रकार की जो है दान दक्षिणा मिला है, और अपने कार में भर करके लेकर के आ रहे थे है। और जब आने लगे, चलते चलते बारिश हुई, घनाघोर बारिश हुई, और देखो देखते देखते रात 10 बज गया, तो विचार करने लगा कहाँ जाए है? तो एक गांव वाले के पूछा, भाई अंधकार तो हो गया, रास्ता भी अच्छा नहीं है, कहीं गांव में कोई धर्मशाला वा कोई ऐसे स्थान मिले जे रात को मैं यहाँ पर विश्राम करूँ और प्रातःकाल में चला जाऊँ। गांव वाले ने बोला, देखो ये यहाँ पर गांव के बाहर जो है एक कोई मकान पर है, बहुत साल से वो मकान खाली पड़ा हुआ, करे महाराज आप यहीं पर ठहरिए। देखो उन्होंने कह कि उस स्थान पर रहे रात पर रात, देखते देखते रात 12 बज गया है, आधी रात हो गया, अपने सारे सामान को गाड़ी में तो रखे और वहीं पर विश्राम करने लगे। रात जब 12 बजे 1 बज गया, देखो 1 बजने के साथ ही साथ है वो सारे जो क्यूआर था ना, और वो जनाला जो है वो ऐसे धड़ास 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 करने लगे है। भाई देखो भूत जब आ जाता है ना, ये आपके संकेत दे देते हैं, मैं आ गया है। शास्त्र में लिखा है कोई मकान यदि 6 महीने से ऊपर खाली पड़ा रहे, कोई नहीं रहे, उसको भूत पिशाच जक्ष रक्ष ब्रह्म राक्षस आकर के क्या कर लेते हैं, दखल कर लेते हैं, जबरदस्ती कर। और देखो जब धड़ास धड़ास करने लगे है, तब वो उन्होंने क्या विचार करके, तो भूत पिशाच आ गए है। तब उन्होंने क्या कि है, एक लोहे के सरिया हाथ में ले लिया है, सरिया हाथ में लेकर के बोले, ए कौन है सामने आ जा। देखिए शास्त्र में ऐसे लिखा है, लोहा यदि आपके पास रहे ना, भूत पिशाच नहीं आते। इसलिए छोटे छोटे बच्चे के, हम भी देखा गांव में जो है छोटे छोटे बच्चे के कमर में ना वो लोहे के वो है ताबीज आदि लगा देते हैं भाई, ये सत्य है। आपके पास कोई लोहे के टुकड़ा रहे, भूत पिशाच ब्रह्म देवता राक्षस सच्चे कुछ नहीं आएगा, ये बात सत्य है, है? तो उन्होंने कहा कि लोहे के सरिया है ना, ऐसे हाथ में रख लिया, ए कौन है सामने आ जा। हाँ देखो वो कहने लगे, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, मैं तुम्हें खाने वाला हूं।
देखो रोंगटे खड़ा कर, हाँ भाई देखो आश्चर्य की बात है, किंतु डोल डरे नहीं है, सामने आ जा। वो ब्रह्म राक्षस क्या बोले, तेरे हाथ में लोहे का लोहा जो है सरिया है उसे नीचे रख दे, मैं तुमको मजा चखाता हूं है, वो ब्रह्म राक्षस बोले। तब उस समय वो महाराज कह रहे हैं, अच्छा तू बताओ तू ये ब्रह्म राक्षस कैसे बना है? उन्होंने बताया, मैं जीवन में बहुत पाप कार्य किया, जैसे आप लोग ने श्रवण किया ना गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा, बोले धुंधुकारी से भी और भी वहां पापी मैं था है? ना जानी कैसे कैसे गलत काम किया, यहां तक कि संत महात्मा के पैसे को भी मैं हड़प लिया है। वो संत ने देखो उसमें लिखा है, संत महात्मा के पैसे भी हड़प लिया है, अपने भोग विलास में लगाया और ना जाने कैसे कैसे शराब पीना है, असत कर्म कर्म आदि किया, इसके फलस्वरूप मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। तब उसे महाराज कहने लगा, तुम बताओ तेरे गति कैसे होगा, इस ब्रह्म राक्षस से तेरे मुक्ति कैसे मिलेगा। वो स्वयं कहने लगे, हे राजन यदि आप जीवन में कोई एकादशी पालन कर एक निर्जल व्रत रखा है, एक निर्जला व्रत रखा, उस निर्जला व्रत के कुछ अंश मुझे अर्पित कर दीजिए है, आप समझे नहीं, एक निर्जला व्रत की सामान्य अंश भी आप मुझे दे दीजिए, मैं ये ब्रह्म राक्षस जो शरीर जो है इसको छोड़ करके मैं चला जाऊं। देखो उस समय उन्होंने क्या कि है वो बैखानस महाराज है, उन्होंने मन ही मन है ऐसे मंत्र आदि करके बोले, जाओ मैंने तो जीवन में अनेक एक निर्जला एकादशी की, एक एकादशी के निर्जला एकादशी के व्रत तुम्हें अर्पण करता हूं। ऐसे कह करके जब थोड़े हाथ में है कुछ धूल आदि लेकर के उनके ऊपर ऐसे छोड़ दिया, देने के साथ ही साथ वो ब्रह्म राक्षस दिव्य शरीर धारण किया और धारण करके वो नित्य वैकुंठ धाम में चलेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय है। इसलिए कहता है एकादशी के महत्व तो इतने है, मैं भी जीवन में बहुत देखा, फलन में एक व्यक्ति जो मरने वाला, मुझे कहते महाराज मरने वाला क्या करूँ, मैंने कहा चलो एकादशी के व्रत दे है, तुलसी और गंगा जल उसके मुंह में दे दूँ, देने के साथ ही साथ मैं उसके कमरे से निकालने के बाद ही देखो वो शरीर छोड़ दे है, ऐसे सत्य है, आप विश्वास करो, सब ताली है, जीवन में एकादशी करो है और एकादशी ऐसे पालन करो जिससे आपके सब कुछ प्राप्त हो जाए, धन संपत्ति सब कुछ प्राप्ति होगा, यहाँ तक भी मुक्ति की मुक्ति के ऊपर जो है भक्ति भी प्राप्ति हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में एकादशी के महत्व से दिखाया, जिसमें अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की कथा सुनाया सुखदेव गोस्वामी पार है, उसमें एक चीज आपको मैं कहता हूँ, देखो एकादशी तो निर्जला करे अथवा फलाहार करे, किंतु ध्यान देना चाहिए उसके पारण की विधि जो है, बहुत लोग तो निर्जला करते हैं है, अथवा रात भोर जगते हैं किंतु पारण के ऊपर ध्यान नहीं देते, इसलिए कहते हैं एकादशी के दूसरे दिन क्या करना चाहिए, पारण करना चाहिए, अर्थात कैसे व्रत को तोड़ना है, उसमें लिखा रहता है सूर्यास्त के पश्चात इतने समय से इतने समय तक है आपको क्या करना पड़ेगा, पारण करना पड़ेगा। कल कितना बजे है, काल किस बजे, 6 बजे है, 10 बजे के पहले, अर्थात सूर्य उदय के पश्चात 10 बजे के पहले आप जरूर पारण करें है, गुरु विष्णु के सेवा गो ब्राह्मण आदि से शास्त्र में लिखा है कैसे पारण करना है, पहले विष्णु के अर्चन करो है, विष्णु के अर्चन आदि करके फिर गो ब्राह्मण गाय को सेवा करो, गाय के एक रोटी दे दो है, गो सेवा होनी चाहिए, ब्राह्मण सेवा होनी चाहिए है, ये समस्त विधि है, नहीं तो अपने कपा कप खा लिया ऐसे नहीं, क्या करना चाहिए, गो ब्राह्मण वैष्णव के सेवा करके फिर उनके वैष्णव के उच्छिष्ट के आदि के द्वारा
पारण करना चाहिए, व्रत तोड़ना चाहिए। दुनिया में तो जो संतों को दान दे करके, जैसे दुर्वासा जी कथा थी ना, हमारे से महाराज घर में दुर्वासा जी आए, बोले बहुत बढ़िया दिन है, संत आए इनको भोजन करा के व्रत खुलेंगे। उसके बाद में जो कथा हुई, दुनिया में साधु संत कुछ दे करके, जैसे थोड़ा चावल हो, आटा हो, तेल हो, घी हो, सीधा जिसको कहते हैं, अगर हो सकता कल आप लोग जब आओ व्रत खोलने से पहले कुछ सीधा रख लेना, कुछ आटा हो, चावल हो, दाल हो। हम तो वहाँ मथुरा में रहते ना, वो देख है ब्रजवासी का आज तक भी विधान है कि अम्बरीश महाराज मथुरा में लिखित भजन के, इसलिए आज तक विधि है, शास्त्र विधि है, समझते ये कैसे व्रत खोलना है, ये समझते विधि विधान के अनुसार करें और एकादशी पालन करें। आज अतिव सुंदर दिन है, एकादशी के दिन है भोजन करना नहीं चाहिए और भोजन कराने भी नहीं चाहिए। है यदि फलाहार करना है, संत महात्मा ठाकुर जी के फल अर्पित करो, संत महात्मा के फल अर्पित करो, है फल दे करके फिर फलाहार करना चाहिए, ये विधान है शास्त्र में। है और आगे की कथा महाराज बताएंगे, अभी 9-10 हो गया है। हम लोग वृंदावन बिहारी लाल की बोलो, एकादशी महातिथि की जय, जय श्री राधे। एकादशी का दिन अगर एक माला करेगा ना, 100 माला करने का फल मिलेगा। आपके पास में माला चली गई ना, हाँ देखो मेरे तरफ में देखो, माला कैसे भरोगे देख लो, सब बैठ करके एक 5-7 मिनट लगेगा एक माला करके, आप लोग फिर प्रसाद लेकर के जाना, ठीक है। आज के जो प्रसाद की जो व्यवस्था है, हमारे एक भक्त है जिनका नाम श्री सुरेंद्र प्रभु जी, इन्होंने आज जो आप लोगों को बड़े सुंदर ज्ञान को लस्सी मिलेगा, हैं सेक मिलेगा, बड़े सुंदर सब्जी पकौड़ा, बड़े सुंदर प्रसाद की हमारे सुरेंद्र प्रभु जी की व्यवस्था, उनके लिए ताली बजाओ जो सुरेंद्र प्रभु जी। इधर आ जाओ प्रभु जी, इधर आ जाओ, कहाँ हैं, इधर आ जाओ, आज इधर आ जाओ, आज दर्शन दे दो। और हमारे श्री नवीन प्रभु जी के जो ससुर जी है यहाँ पर, प्रदीप प्रभु जी है, प्रदीप जी, प्रदीप प्रभु जी इधर इधर आ जाओ। ये हमारे जो नवीन प्रभु जो इनका परिवार के लोग जो ये भागवत कथा रखवाया है, हाँ इनकी जो बेटी सुप्रिया, क्या नाम है, सुप्रिया है यहाँ पर, इसलिए इन्होंने ऐसे एक बेटी जन्म दी है, ऐसे एक बेटी जन्म दी जिसने नवीन प्रभु के साथ में शादी करके दोनों इतने सुंदर भक्ति कर रहे हैं, बड़े सुंदर भक्ति के लिए उत्साहित होकर के ये भागवत कथा पूरा परिवार को लेकर करवा रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। और इनके जो पिताजी प्रदीप प्रभु जी, ये बड़े भागवत कथा का हर तरह से इन्होंने बढ़ चढ़ कर मदद किया है। और जो नगर फेरी, जो 15 दिन में बाद एक सप्ताह में नगर फेरी में इन्होंने एक गाड़ी खड़ी करवा दिया, बोले ये गाड़ी में भगवान का नाम कीर्तन हो गली गली में, इन्होंने भी दान दिया हमारे श्री प्रदीप प्रभु, इनके लिए भी आप ताली बजाओ, इनके लिए भी आप ताली बजा रहे हैं। इधर आ जाओ बनवार जी, अपने गला में माला का दी दिन का गला माला का जाएगा, हाँ इनको आप लोग सब आशीर्वाद दो कि जैसे ये सेवा कर रहे हैं, ये सेवा भी ऐसे ही करते रहे और दिन प्रतिदिन इनको भगवान की भक्ति प्रेम मिले। हाँ मालो इधर माला देख लो, ये माला को जब करते समय ये अंगुल इसमें टच नहीं करनी चाहिए, ये गंदा अंगुल है, इसको निकाल करके रखो और यहीं से ये बीच वाले अंगुल को ऊपर में ऐसे सुमरी को एक तरफ से ले करके जब करने से पहले नियम है, एक बार श्री कृष्ण चैतन्य बोलो मेरे साथ में, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद, कलयुग में भगवान ये पंच रूप में आकर के जगत में हरि कीर्तन प्रचार किए, इसलिए करने से पहले एक बार बोल करके हरि हरि नाम को करनी चाहिए और पूरा बोल करके ना, एक मोती सरकेगा, दो मोती सरकेगा, जब यहाँ समाप्त हो जाए इसको पार नहीं करना, फिर इसको घुमा देनी चाहिए। आप लोग सब मेरे साथ में बोलो, सबके सब बोलना, क्योंकि जो हरिनाम करेगा उसको पाप तो उड़ करके चली जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो करेगा नहीं, इसलिए ये मत समझो जो कर रहे हैं करने दो, नहीं सबका पाप लेना लेने का इच्छा तो नहीं करना, इसलिए सबके सब मेरे साथ में बोलो,
बोला हरे कृष्णा कृष्णा सब आंख बंद कर लो, समझो ठाकुर के चरणों में बैठ के आंख बंद कर लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोला करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माला पूरी हो गई ना, माला कोई लेना नहीं पाप लगेगा, क्योंकि हम रोज रोज यहाँ पर बैठ कर एक एक माला करेंगे। नियम है माला लेने का, किसी साधु का हाथ से माला लेनी चाहिए हैं। इसलिए कहते ना बिनु गुरु भवन निधि तरह न कोई, जो बिरिंची शंकर सम हो, बोले बिरिंची ब्रह्मा जैसे हो जाओ, लेकिन अगर किसी साधु से माला नहीं ले तो उधार नहीं हो सकते। माला लेना तो आकर के साधु गुरु वैष्णव से लेना, सब माला वापस दे दो, कोई लेना नहीं पाप लगेगा। और अभी ठाकुर जी की आरती होगी, देखो प्रसाद तो है ही तुम लोगों के लिए, लेकिन आज एकादशी है, कोशिश करना आज आरती को बाद में एक प्रसाद ले लेंगे, ठीक है? जब आरती हो जाए प्रसाद लेना, भंडारा पूरा है, कोई चिंता मत करना। पुजारी जी आरती दरवाजा खोलो, पुजारी जी हाँ आरती है, आरती दरवाजा, आरती फटाफट आरती दरवाजा Thank you.
Krishna, 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 Krish